अमेरिकन में जो एक एसोसिएशन है, एडीए, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, कुछ डॉक्टर्स हैं जो डायबिटीज के खुद को एक्सपर्ट बोलते हैं, जिनको फंडिंग आपको मालूम है कहां से आती है। तो उन लोगों ने बैठ के डिसाइड किया, भाई नहीं ये गलत है, जो आप 126 पे हैं, आपकी रीडिंग आती है तो आप डायबिटिक हैं। तो अचानक लगभग जो 8% पॉपुलेशन थी, रातों रात डायबिटिक हो गई, जो पहले डायबिटीज की पेशेंट नहीं थी, वो रातों रात डायबिटीज की पेशेंट बन गई। किसकी वजह से? क्योंकि एडीए, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने बोला, भाई आप डायबिटिक हो, आज से आपको ये मेडिसिन लेनी पड़ेगी और आपको मेडिसिन ये खानी पड़ेगी अगर आपको फिट एंड हेल्दी रहना है। फिट एंड हेल्दी नहीं, अगर आपको लंबा जीना है, फिट एंड हेल्दी समथिंग डिफरेंट। तो आपको ये बोलते हैं, अगर आपको जीना है, लंबा जीना है, तो आपको ये करना पड़ेगा। फिर ये बात नहीं बनी तो कंपनी ने बोला, भाई हमारा मार्केट कम हो रही है और लोगों को ऐड कीजिए। तो 2003 में उन्होंने बोला, जो नॉर्मल लेवल है 126 से 100 कर दीजिए। ये बहुत देर पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 17 साल पहले। यानी कि मेरे मेडिकल कॉलेज में जाते जाते ही, जब मैं मेडिकल कॉलेज में गया था और जब मैं जॉब कर रहा था, गवर्नमेंट जॉब कर रहा था, तो दो रीडिंग ऐसी आ गई, जो जिनको पहले बोलता था आप डायबिटिक नहीं हो, उनको डायबिटीज बना के उनको भी एक मेडिसिन देनी शुरू कर दी है। तो इस तरह से नए नए लोग ऐड कर दिए गए। 2003 में जो भारत की पॉपुलेशन डायबिटिक थी वो 1.3 करोड़ थी, और अचानक रातों रात वो पॉपुलेशन 2.2 करोड़ हो गई। जस्ट इमेजिन, लगभग डबल हो गई। यस, तो डबल होने के बाद अभी एक 6 मार्च 2018 को अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ने एक बहुत अच्छी स्टडी की है, जो कि आपको, मेरे को, किसी को राय जाएगा, लेकिन आप गूगल करेंगे, बैठे बैठे गूगल कर सकते हैं, 6 मार्च डायबिटीज पैरामीटर्स चेंज, तो आपके पास बहुत सारी रिसर्चेज आ जाएंगी। उसका मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है, आपको दिखाऊंगा वो क्या लिखा हुआ है। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला भी अगर आप का जो शुगर लेवल है 150 है, जो ग्लूकोस लेवल है, तो आपको कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब क्या है? अगर आपका, उन्होंने HbA1c के साथ में बात करते हैं, पहले जो डॉक्टर बोलते थे 6.5 होना चाहिए, ऐसे कम होना चाहिए, अगर 7 होगा तो आपको दवाई लेनी पड़ेगी, डायबिटिक हो गया आपको प्री डायबिटिक हो गए, पता नहीं क्या कुछ ऐसे बोलते थे। तो इसने ऐसा बोला, जो डॉक्टर्स हैं उनको एंडेवर ये होना चाहिए, जो HbA1c जो कि इंडिकेटर है आपकी एवरेज ब्लड शुगर का पिछले 2 से 3 महीने का, वो 7 और 8 के बीच आना चाहिए। वो जो कन्वर्ट करते हैं हम लोग एवरेज ब्लड शुगर, तो वो कितना आता है, हैरान हो जाएंगे, चौंक जाएंगे, वो आता है 225 फ्रॉम वेन और 250 फ्रॉम फिंगर, क्योंकि फिंगर और वेन में लगभग डिफरेंट होता है 25 का डिफरेंस होता है। तो उस समय आपको कोई मेडिसिन नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि अब मेडिसिन अगर लेते हो, उनका लॉन्ग टर्म जो नुकसान है वो ज्यादा है, और उनके जो फायदे हैं लॉन्ग टर्म वो बहुत कम है, जो आपकी मोर्टेलिटी है उसपे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डॉक्टर्स को क्या रिकमेंड करना है? फूड एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। लेकिन जो 6 मार्च, लगभग हमें 2 साल से ऊपर हो गया, हमें किसी भी डॉक्टर ने, किसी भी रिसर्च ने, किसी भी टीवी ने कहीं भी बताया नहीं अभी तक। तो क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो 100 चल रहा है, और 100, जब ये 100 से ऊपर आ जाता है, हम सुबह सुबह ट्रिक करते हैं, अरे माय गॉड 130 आ गया, ओ माय गॉड, टेंशन बढ़ जाती है, टेंशन से ग्लूकोज और बढ़ जाता है, और हम एक पिल और खा लेते हैं, वो पिल को खा के, केमिकल्स को खा के, हम लोग एक सेटिस्फेक्शन फील करते हैं, आह बच गया आज का दिन, नहीं तो अगर 130 हो गया पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, आपको सिर्फ डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए लाइफस्टाइल और खाने को चेंज करना है, जो आप खा रहे हैं, जो हम आगे बात करेंगे। तो ये बात क्लियर होगी, जो आपको डायबिटीज है, आपको नहीं डायबिटीज है, आपकी डायबिटीज कब होगी, नहीं की होगी, वो आपका कौन डिसाइड कर रहा है? कोई अमेरिका में बैठा हुआ, या कोई रिसर्च कंपनी, या कोई रिसर्च कंपनी नहीं बोलनी चाहिए मुझे, फार्मा कंपनी, क्योंकि फार्मा कंपनीज जो रिसर्च करती है, 100 लोगों पे कोई रिसर्च की, उसको सैंपल स्टडी बनाई, उसको शॉर्ट टर्म किया और उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, और उसी को बता के उनको एक CME करते हैं बहुत सारी, जिसको बोलते हैं कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन। डॉक्टर्स को बुलाया जाता है, उनको एजुकेशन किया जाता है, मेडिकल रैप को पुश किया जाता है, आप जाके एजुकेट कीजिए। तो सच बताऊं, कोई भी डॉक्टर आज तक, कोई भी डॉक्टर जो प्रैक्टिस कर रहा है आज तक, किसी फार्मा कंपनी में नहीं गया है, उसने नहीं देखा है मेडिसिन कैसे बनती है, कैसे वो रिसर्च करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, उनको जो बताया जाता है वो वैसे ही करते हैं जो पढ़ाया जाता है। तो उनका भी किसी का कसूर नहीं है, लेकिन हमें इस चक्कर में से निकलना है। और जो 100 साल का, ये लगभग 50 साल का ही बोलूं मैं, 50 साल से जो गड़बड़ घोटाला चल रहा है हमारी डाइट के अंदर, हमारे खाने पीने के अंदर, मेडिसिन का जो जोर आ गया है,
हमें उससे कैसे बाहर निकलना है, कैसे हेल्थ क्रिएट करनी है, कैसे हम डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। और मैंने जितने पेशेंट के साथ बात काम किया है और जिनके साथ कंटिन्यूसली काम किया है, उनकी जो डायबिटीज है वो लगभग 3 दिन से लेके 3 महीने के अंदर रिवर्स हो गई है, और 6 महीने के बाद वो आराम से जो खाना चाहे खा रहे हैं, चाहे जलेबी की प्लेट हो, चाहे गन्ने का रस हो, चाहे 1 किलो मैंगोज हो, चाहे 2 किलो अंगूर हो, वो आराम से खा सकते हैं और बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना डायबिटीज बढ़ाए हुए, बिना अपना ब्लड शुगर बढ़ाए हुए। बड़ा हैरानी होगी आपको सुनते हुए, और क्योंकि ये बातें आपने पहले कभी सुनी नहीं है तो विश्वास करना मुश्किल होगा, लेकिन बहुत सारे टेस्टिमोनी है, बहुत सारे पेशेंट ने बोला है, और ये चीज तो आपके सामने है, डायबिटीज कैसे आपको क्रिएट की जाती है। दिस इज समथिंग क्रिएटेड वर्ड, जब चीज को बार 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 बोलते हैं, अगर बार बार बोला जाए आपको ये सफोला ऑयल है बहुत बढ़िया, सफोला ऑयल आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, सफोला ऑयल खाइए आपका हार्ट अटैक नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, जब भी आप शॉप में जाओगे सफोला ऑयल खरीदोगे, ये जाने बिना भी सफोला में कितने केमिकल्स हैं, वही जो ऑयल है वो हार्ट के लिए सबसे डेंजरस ऑयल है। मेरे को पता है आज के सेशन में बहुत सारे लोगों का थोड़ा सा दिल टूटने वाला है, लेकिन एक बात आपसे प्रॉमिस करता हूँ, यहीं पे अगर आप ये फॉलो करेंगे, आप डायबिटिक हैं या आपने किसी रिलेटिव आपका डायबिटिक है, और ये इस चीज को जो बोलूंगा, ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है, गोली खाने से सब चीजों से बहुत ईजी है, फॉलो करोगे तो लगभग 1 हफ्ते के अंदर आपका डायबिटीज रिवर्सल हो जाएगा, जो मेडिसिन होगा वो छूट जाएगा, और 3 महीने के बाद तो पक्का 100% विदाउट एनी एक्सक्यूज ये पॉसिबल है, राइट। तो जो मैं कह रहा था, जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन है, उनके डॉक्टर से एक बार पढ़ दो, ताकि आप भी अगर कई लोग हैं जो सुन लेते हैं पढ़ते नहीं है, ये तो एकदम डॉक्यूमेंटेड है, बहुत सारे लोगों ने खोल भी लिया होगा इंटरनेट के ऊपर, तो उनके लिए मैं कुछ करक से थोड़ा खोलता हूँ। ACP analysis of the evidence behind the existing guideline found that the treatment with the drugs to target the 7% or less compared to a target above 8 did not reduce the death or microvascular complications such as heart attack, stroke, but did result in the substantial harms. कहने का मतलब क्या है? ये कह रहे हैं जो आप medicines खाते हैं उससे फायदा कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको नुकसान ज्यादा होगा। लेकिन हमें अभी तक किसी ने ये नहीं बताया, ये मेडिसिन नहीं लेनी है, नहीं लोगे तो उसका फायदा ज्यादा है, नुकसान कम है। लेकिन हम बताया जाता है इसका शॉर्ट टर्म फायदा है, थोड़ा सा ग्लूकोज ठीक आ जाता है, ये प्रिक करते हैं तो बड़ी बढ़िया रहता है। ये मैं प्रिक करने की बात बता दूं, ये जो प्रिक वाली स्ट्रिप्स हैं, इसकी इंडस्ट्री आप जानते नहीं कितने बिलियंस डॉलर की है, आप अंदाजा लगाइए, एंड में अगर टाइम मिला तो बताऊंगा कितने बिलियंस डॉलर, और बिलियंस डॉलर कितने होते हैं वो भी आप बता दीजिए, उसमें जीरो लगते हैं, 100 बिलियन डॉलर से तो ऊपर ही है, मतलब इतना एक गेस दे देता हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात लिखी है, यहाँ पे लिखा है स्ट्रोक बट डिड नॉट रिजल्ट इन सब्सटेंशियल हार्म्स, सेड डॉक्टर जैक एंडी, डॉक्टर जैक एंडी ऐसा बोल रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ ACP। उन्होंने प्रॉपर रिसर्च की है उसके ऊपर है, लेकिन ये रिसर्च अभी तक किसी भी मेन स्ट्रीम में कोई इसकी बात ही नहीं कर रहा है। द एविडेंस शोज दैट द मोस्ट पीपल विद डायबिटीज टू अचीव द A1C बिटवीन 7 to 8% विल बेस्ट बैलेंस लॉन्ग टर्म बेनिफिट विद द हार्म such as low blood sugar, medication burden and cost. वो बोलते हैं अगर 7 से 8 के बीच है तो आपकी सेहत एकदम बढ़िया रहेगी, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपके किसी ऑर्गन को कुछ नहीं होगा, बल्कि आप अगर मेडिकेशन लेंगे तो उसका नुकसान ज्यादा होगा, पैसे भी बचाएंगे, अपनी हेल्थ भी बचाएंगे, लेकिन ये बात आपको कोई भी नहीं बता रहा है। It's very odd that I'm sitting in front of this laptop and speaking. जब मेरा जो लाइव वर्कशॉप होती है उसमें बहुत मजा आता है, क्योंकि सभी लोग देख रहे होते हैं, हाथ खड़ा कर रहे होते हैं, बहुत सारे एक्शंस होते हैं, मैं क्वेश्चन आंसर पूछता हूँ। लेट्स डू दैट। आप सब को कुछ डेंट पड़ रहा है जो आपकी सोच है, अगर मैं थोड़ा सा भी डेंट डाल सकूँ, थोड़ा सा भी चेंज कर सकूँ, मैं सोचूंगा कि मैं जो काम करना चाहता हूँ आज के सेमिनार के थ्रू वो कर पा रहा हूँ। अपने जो अपने व्यूज हैं, अपने जो मैसेजेस हैं वो डालते रहिए, क्योंकि वही पढ़ के हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं इस डिजिटल वर्ल्ड से। लेकिन अच्छा है हम लोग दूर दूर बैठे हुए, लगभग 6 कंट्री से लोग जुड़े हुए हैं और 18 स्टेट से लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, अगर वैसे होता तो ये पॉसिबल ना होता है शायद। मोस्ट वेलकम, आई थिंक वी कैन मूव फर्दर। तो अभी एक छोटा सा काम करते हैं, ये जो शुगर होती है उसके बारे में थोड़ा सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। पहले तो हम बोलते हैं जो ब्लड का जो मेजर करते हैं वो ब्लड शुगर नहीं होती है, वो ब्लड ग्लूकोज होती है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोमीटर। अगर आप मान लीजिए एप्पल्स खाते हैं या मैंगोज खाते हैं आधा किलो, अगर आधा किलो मैंगोज खा लोगे तो आपकी जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है
वो नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वो फ्रक्टोज होता है उसमें ज्यादा, थोड़ा सा बढ़ेगा, ज्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ग्लूकोज को मैयर ही नहीं करता है। आप एक एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा, वेन से ब्लड लीजिएगा, ब्लड को डालिएगा, उसके अंदर में ग्लूकोज ऐड कीजिएगा, फिर चेक कीजिएगा तो एकदम शूट अप होगा। फिर आप ब्लड लीजिएगा एक दूसरी पेटी डिश में, उसमें थोड़ा सा फ्रक्टोज डालिएगा, फिर से स्ट्रिप से चेक करिएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और दूसरा ये वाली बात जो बात कर रहे हैं हम लोग, हमारे ब्लड में ये शुगर क्या है, पेनक्रियास क्या है, ये लिवर उसमें क्या काम करता है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, ताकि हम समझ पाए डिफरेंट ऑर्गन्स किस तरह काम करते हैं, डिफरेंट मेडिकेशंस किस तरह काम करती है, और डायबिटीज को रिवर्स की कैसे किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर हमारे ब्लड में जो ब्लड शुगर है उसको हम बोलते हैं 100 mg/ml, तो हमारा ब्लड शुगर लेवल कितना आएगा? लगभग 100। अगर ब्लड हमारा पूरी बॉडी में मान ले 5 लीटर है, तो 5 लीटर में टोटल शुगर जो है वो 5 ग्राम है सिर्फ। कितना है? 5 ग्राम। 5 ग्राम मतलब जो चम्मच होता है हमारा, चम्मच से भी कम पूरी बॉडी के अंदर। अगर हम आप एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब वो सोचते हैं अगर हम उसी को डबल कर दें ब्लड के अंदर, 10 ग्राम्स कर दें, तो वो 200 हो जाता है, 200 mg/ml, सिर्फ डबल करने से 5 ग्राम से। अब जो डायबिटीज होता क्या है या क्यों होता है, तो ऐसे होता है, हर एक हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं, जो सेल्स का नंबर है वो है 1 करोड़ करोड़। मतलब कि एक के पीछे अगर 14 जीरो लगा दीजिए तो बॉडी के अंदर उतने सेल्स हैं, और जो जितने सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में है। और जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जब हमारा कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज के अंदर, ग्लाइकोजन के अंदर, जिसको डिफरेंट शुगर्स के अंदर, तो वो जो सब कुछ उसको जो इंटेस्टाइन के थ्रू अब्सॉर्ब होता है, ब्लड में जाता है। ब्लड के बाद वो ब्लड जो होता है उसके अंदर सिर्फ 5 ग्राम खून पूरे ब्लड के अंदर होता है। कितना? 5 ग्राम। बहुत कम लग रहा है ना आपको? 5 ग्राम, यस, पूरे ब्लड के अंदर 5 ग्राम खून होता है। तो सेल के पास जाते हैं, जैसे देने जाते हैं, ये लो भाई खून, ये एनर्जी ले लो, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो एनर्जी होती है, वो अंदर जो सेल के अंदर एक छोटा सा ऑर्गन होता है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो काम करता है, एनर्जी बनाता है, एटीपी बनाता है। जो एटीपी बनता है वो हमारी एक्टिविटी के लिए जरूरी है। अगर एटीपी नहीं होगा तो हम लेथार्जिक फील करेंगे, हमारे में एनर्जी कम होगी, हम कोई जोरदार काम नहीं कर पाएंगे। तो ये जो ये सेल है और ये ग्लूकोज है, एक आरबीसी लेके आ रहा है, तो वो इसको बोलता है भाई ये लो तुम्हारी एनर्जी, उसको ग्लूकोज देता है, सेल इसको सेलेक्ट कर लेता है, उसको एनर्जी यूज कर लेता है, उसका वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, वो निकल जाता है। सिंपल फार्मूला ये है। अब एक यहाँ पे एक छोटा सा कैच है, बहुत बड़ा। ये जो ऑक्सीजन है, जो ब्लड है जो ग्लूकोज को कैरी करता है, उस सेल के अंदर तब तक नहीं जाएगा जब तक उसके पास चाबी नहीं होगी। वो चाबी क्या है? इंसुलिन। वो इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करता है? पेनस। अब दो कारण हो सकते हैं, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। तो टाइप 1 डायबिटीज है, आपका जो चाबी है वही मिसिंग है। इंसुलिन जो है वो जो पेनक्रियाज में बीटा सेल्स हैं वो बना ही नहीं रहे हैं, जो चाबी है जो कि इंसुलिन है उसको बना ही नहीं रहे हैं, इसलिए बॉडी के अंदर जो ग्लूकोस लेवल है वो हाई हो जाता है। जो कि हाई ग्लूकोस लेवल है, डिफरेंट ऑर्गन जैसे किडनी होगी, नर्व्स होगी, आईज होगी, हार्ट हो गया, वेन्स हो गया, आर्टरीज होगी, सब पे ऊपर असर डालते हैं। अभी पेनक्रियास ने अपना इंसुलिन छोड़ा, इंसुलिन ने बोला भाई खोल दो दरवाजे, तो दरवाजे खुल गए, अपना आराम से अंदर एनर्जी गई, माइटोकॉन्ड्रिया यूज किया, माइटोकॉन्ड्रिया यूज करने के बाद उसकी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज किया, और एनर्जी के साथ सब काम होने लग गए। हर एक सेल यही काम कर रहा है। तो अभी होता क्या है, टाइप 1 डायबिटीज हमने बात कर ली, जो कि जिसको जुवेनाइल डायबिटीज बोलते हैं, जो बचपन में होती है, क्योंकि जो पेनक्रियास है वही प्रॉपर आपके कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिजीज है, या म्यूनोलॉजिकल डिजीज है, या बीटा सेल्स जो आपके डिस्ट्रॉय हो गए हैं बचपन से किसी कारण से, या कुछ वूम के अंदर कुछ हुआ, जेनेटिक फैक्टर्स भी इसमें हो सकते हैं टाइप 1 डायबिटीज में। तो टाइप 2 क्या है? टाइप 2 मेनली क्या है, दो ढंग से हो सकती है। पहली बात यह है, जो ये सेल है, सेल के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, वो चाबी आती है, चाबी बोलते हैं खोलो 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 खोलो, ये सेल्स हैं वो रिसेप्टर ही ब्लॉक हो जाते हैं। वहां पे जो चाबी है वो काम नहीं करती है, कोई उसके आगे एक ब्लॉक और आगे, मान लीजिए ब्लॉक लग गया आगे, ये ब्लॉक लग गया, अभी ये वो चाबी आई, इंसुलिन बोलती है खोलो खोलो खोलो, मैं लेके आई हूँ लेके आई हूँ, तो ये सेल खोलता नहीं दरवाजा, तो जो ब्लड शुगर लेवल है वो पूरी बॉडी के अंदर हाई हो जाता है। तो ये सिंपली जो ये डायबिटीज है, डायबिटीज एज सच कोई डिजीज नहीं है, डायबिटीज एज सच कोई डिजीज नहीं है, लेकिन जो बहुत सारी डिजीजों की माँ है। सिर्फ ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ा है, कितना बढ़ा है?
5 ग्राम और ज्यादा, क्यों? क्योंकि सेल्स जो है वो शुगर को, उस ग्लूकोज को अंदर नहीं ले रहे हैं, क्योंकि चाबी है वो रिसेप्टर के ऊपर काम नहीं कर रही। जा एक काम और होता है, बहुत बार ऐसा होता है, एक हाइपोथेटिकल नहीं, कैसे कैसे हमारा ब्रेन जो है, ये हर एक का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो अलग अलग ढंग से काम करता है। पहला क्या है, मान लीजिए ब्लड के अंदर ओवरलोड हो गया है हमारी ग्लूकोज का, एक जो सेल है वो कुछ ही ग्लूकोज कैरी कर सकता है, उसके अंदर 200 आ गया, तो 150 तक तो बोलेगा भाई ठीक है मैं उठा लेके जाऊंगा, उसको डिलीवर कर दूंगा, लेकिन 150 तक आ गया तो उसको क्या करेगा? नंबर वन उसको ये बोलेगा कि पूरा मैं उठा नहीं पाऊंगा, ये घेर देता हूँ ब्लड के अंदर। वो ये शुगर है ब्लड के अंदर जब आता है तो ये जो सामने दो मैंने दिखाई हुई है स्लाइड्स, तो ग्लूकोज लेवल जो बढ़ जाता है, तो जो हमारी आर्टरीज हैं, हमारे डिफरेंट कोशिकाएं हैं, वो इतनी लंबी कोशिकाएं और इतनी पतली कोशिकाएं हैं, हम यहाँ से लेके 60,000 किलोमीटर यूएसए तक जाके वापस आ सकते हैं, इतनी लंबी वो कोशिकाएं हैं जिनके थ्रू ये हमारा ब्लड जो है वो मूव करता है। तो उसमें गिरा देता है तो उससे और हार्ट की प्रॉब्लम, डिफरेंट ब्लॉकेजेस वो शुरू हो जाते हैं, उससे जो कॉम्प्लिकेशन आती हैं वो सबको आपको मालूम है। और थोड़ा सा मैं ये कोशिश करूंगा हम थोड़ा सा फास्ट चलें, क्योंकि ऑलरेडी हमने काफी समय जो शुरू में टेक्निकली लूज कर दिया, लगभग 200 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो लोग थोड़ा लेट जुड़े हैं उनको वेलकम बोलता हूँ। डॉक्टर संदीप, कुछ क्वेश्चंस हैं बीच में, ले सकते हैं क्या? यस 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 प्लीज। हाँ, तो विनोद गुप्ता जी ने पूछा है, इज मिल्क हार्मफुल? उसका बात करेंगे, बिल्कुल हार्मफुल है, लेकिन क्यों हार्मफुल है वो बताना जरूरी है, ऐसे पे बोल देगा मिल्क हार्मफुल है तो जी मिल्क से। उसका क्वेश्चन दूसरा ये आता है, क्योंकि हम अगर इसमें मिल्क में चलेंगे उसमें पूरा एक टॉपिक है, तो बाद में सबके लिए काम में आएगा, तो क्वेश्चन ऐसे फिर आता। जी हो गया ना, तो उसके बारे में सिर्फ आपके माँ का दूध बना है, वो भी 2 साल तक जब आपकी उम्र होती है, 3 साल तक मैक्सिमम, उसके बाद ह्यूमंस के लिए बाकी जो गट है उसमें उसकी अब्सॉर्प्शन ही नहीं होती है, उसका यूज होता है उसके जाते हैं, तो लेकिन यस दूध के ऊपर जो लगा हुआ है, आपके ऊपर जो ब्लॉक लगा हुआ है, उस ब्लॉक को हटाने का कुछ मैकेनिज्म तैयार करो, लेकिन हम क्या करते हैं एक और दवाई डाल देते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं सल्फोनाइलाज़ोरिया। जो ये ड्रग्स होती हैं, ये ड्रग्स क्या काम करती हैं, ये बोलती है पेनक्रियास को, बोलती है उसके बीटा सेल को, भैया काम करो जोर से, अभी तुम्हारी चाबी बहुत ज्यादा चाहिए, काम बढ़ गया, बहुत ग्लूकोज बढ़ गया है, एक्चुअली काम तो कहाँ बढ़ गया है जैसे कि फैक्ट्री में बोले हम लोग मजदूरों को, भाई बहुत काम बढ़ गया है, जल्दी जल्दी काम करो, फास्ट काम करना है हमें, बहुत जल्दी काम करना है, तो मजदूर भी थकेंगे, मजदूर तो उतनी ही है, पेनक्रियास तो एक ही है, और 20 साल की उम्र के बाद पेनक्रियास में नए बीटा सेल नहीं बनते हैं, उनकी बहुत सारी चीजें हम ऐसी खाते हैं जो बीटा सेल को कंटिन्यूसली मारती रहती हैं, एक तो उसको काम ज्यादा दे दिया हमने, दूसरा कंटिन्यूसली हम बाहर से जो फूड खा रहे हैं, पार्टिकल्स हैं, रेडिकल्स हैं, हार्मफुल हमारे प्लूटेंट्स हैं, वो हमारे उस बीटा सेल को मार रहे हैं, 20 साल के बाद नए बीटा सेल हमारा पेनक्रियास नहीं बनाता है, तो बीटा सेल पूरे जो है वो खत्म हो जाते हैं, खत्म होकर पेनक्रियास भी जवाब दे जाता है, तो पेनक्रियास भी जब जवाब दे जाता है कुछ सालों के बाद, भाई और मेरे से काम नहीं हो गया, थक गया हूँ बहुत ज्यादा, तो फिर हम क्या करते हैं इंसुलिन के इंजेक्शन देना शुरू कर देते हैं। इसका नुकसान क्या है, इससे पेनक्रियाटिक कैंसर हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, स्टमक अपसेट होता है, और हमारी स्किन के ऊपर जो रैशेस पड़ते हैं और एलर्जीज होती है वो हो सकती है। फिर हम इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं, तो इंजेक्शन इंजेक्शन जो है आपको पता ही बीफ पोक का बनता था, अभी ह्यूमन के सेल लेके बनता है, तो इसकी लंबी हिस्ट्री है, इसको कैसे प्रमोट किया गया, कैसे यूज किया गया, तो बोलते हैं अभी बाहर से इंसुलिन डाल देते हैं, सारा काम करती रहेगी, क्योंकि पेनक्रियाज ने जवाब दे दिया भाई मेरे से अभी और नहीं बन रहा है, तो लीवर ने क्या जवाब दे दिया, पेनक्रियाज ने जवाब दे दिया, अभी बाहर से डाल रहे हैं। बाहर से जो सेल्स होते हैं, जो अंदर से नहीं सेल हेल्दी है, तो बाहर की चीज से कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, हमारी बॉडी ऐसे बनी हुई है, हम बाहर से कुछ भी डालेंगे बॉडी उसको एज ए प्लूटेंट, एज ए केमिकल, एज ए पॉइजन ही एक्ट करती है, जो बॉडी के अंदर डिफरेंट सोल्जर्स हैं उसको खत्म करने में लगे जाते हैं, और उसकी डोज और बढ़ानी पड़ती है, और जब सोल्जर्स हार जाते हैं तो वो ड्रग वो काम करती है, मैं आ गई हूँ, जो हमारे हेल्दी चीजें हैं उसको है, रोक के हम काम करते हैं, क्योंकि जब भी केमिकल डालेंगे बॉडी में, बॉडी इक्वली रिएक्ट करेगी, और ये सारे जो हैं वो आर्टिफिशियल केमिकल्स हैं फ्रेंड्स। फिर ये भी काम नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं, इंटेस्टाइन को बोलते हैं भाई तुम जो ग्लूकोज हो ना, ग्लूकोज को धीरे 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 छोड़ो, ताकि ब्लड में ग्लूकोज ना बढ़े, तो इसका एक अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स है जो इनहिबिट करते हैं उस पंप को,
ताकि जो इंटेस्टाइन है अभी उसको धीरे 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 ब्लड में छोड़ो, तेज मत छोड़ो, तेज छोड़ो तो क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगा, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया तो डिफरेंट ऑर्गन्स को प्रॉब्लम आएगी। लेकिन उससे क्या होता है, हम का पूरा जो सिस्टम है उसमें माइक्रोब्स है, उसका जो नेचुरल मैकेनिज्म है उसको हमने चेंज कर दिया, उसकी वजह से कॉलन कैंसर हो सकता है और हमें प्रॉब्लम आती है। ये एक और क्लास है जिसको ग्लिटाजोन्स बोलते हैं, ये काफी कंट्रीज ने इसको बैन कर दिया क्योंकि ये इससे ब्लैडर कैंसर बहुत बढ़ गया था। अब इसको क्या बोलते हैं भाई, इंसुलिन दे लिया, इंटेस्टाइन को बोल दिया, अभी क्या करें, हम रिसेप्टर को बोल देते हैं भी के जो रिसेप्टर्स हैं ऊपर लगे हुए हैं उनको थोड़ा क्लीन अप करो ताकि हम अंदर जा सके, चाबी को अंदर भेज सके ताकि ग्लूकोज आपके अंदर जा सके, तो हम ग्लिटाजोन्स को बोलते हैं, जो कि बहुत सारे कंट्रीज में बैन हो चुका है, जो खत्म हो गया कि हमारे वेट गेन का कारण बनता है क्योंकि हमारे अंदर वाटर की रिटेंशन ज्यादा होती है, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ती है, ब्लैडर कैंसर होता है, तो ये बैन हो गया। तभी हमारे डॉक्टर थे एनडी, उन्होंने बोला 2018 6 मार्च के पेपर में, भाई जो मेडिसिन है उनका फायदा कम है और नुकसान ज्यादा है। तो यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो लोकमान जी आप पढ़ के बता सकते हैं, मेरे को पता है बहुत सारे लोगों की आंखें खुल रही हैं और जो भी लोग ज्वाइन किए तो भी जाना नहीं चाहिए जाएगा, क्योंकि हम बताने वाले हैं मेडिसिन नहीं तो क्या और कैसे कैसे रिवर्स कर सकते हैं, मेडिसिन का तो हमने देख लिया मेडिसिन कैसे काम करती है। लोकमान जी, यस, तो मिस्टर कास ने पूछा है क्या इंसुलिन के इंजेक्शन अगर ज्यादा लें तो स्वेलिंग होती है इससे? आपका इंटरनेट थोड़ा स्लो है लोकमान जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ, अभी कुछ क्वेश्चंस इसमें, डॉक्टर संदीप अभी आ रही है आवाज मेरी? डॉक्टर संदीप आपकी आवाज आ रही है? चलिए कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं जी। आपकी आवाज आ रही लेकिन थोड़ी सी क्लियर नहीं है, क्या सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरी आवाज आ रही है क्या? आपकी आवाज आ रही है डॉक्टर संदीप? डॉक्टर संदीप आपकी आवाज सुनाई दे रही है, क्लियर आ रही है, कहीं ऐसा ना हो क्योंकि अभी आपकी भी ठीक हो गया, क्योंकि हाँ। अभी जो हम टॉपिक पे जा रहे हैं ये इंट्रोडक्शन थी, अगर आपको इंट्रोडक्शन पता होगी, बेसिक पता होगा तभी आप आगे जा सकते हैं, आपको काम क्या करना है, डायबिटीज होती क्या है, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं और मेडिसिन कैसे काम करती है। और यकीन मानिएगा कोई भी डॉक्टर कहीं भी आके इस बातों में, और बहुत सारे डॉक्टर्स जानते हैं और इंडिया में लगभग 100 ऐसे डॉक्टर हैं जो मेरी तरह बिना मेडिसिन के डायबिटीज को क्योर कर रहे हैं और बहुत जल्दी क्योर कर रहे हैं। मेडिसिन का आप लेते हो तो पूरी जिंदगी खानी पड़ती है, अगर आप जो हम बोलने वाले हैं तो आप 1 हफ्ते से 3 महीने में एकदम डायबिटीज रिवर्स कर देंगे, आपको जो मेडिसिन है वो अपनी खिड़की से फेंकनी पड़ेगी और ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लैपिंग डॉक्टर साहब आपके लिए क्लैपिंग, अगर ऐसा हो जाए तो जाने कितनी जिंदगियों में रोशनी हो जाए, मैं तो आपको उसके लिए हम सबकी तरफ से, जितने भी हम लोग जुड़े हुए हैं उन सबकी तरफ से आपको सर बहुत 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 साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने आज ये आई ओपनिंग क्लास रखी है और आप बड़ी हिम्मत के साथ बड़ी साहस के साथ ये कह पा रहे हैं कि इंडस्ट्री में क्या लूपोल्स हैं और डायबिटीज के कितनी सिंपली हम इसे चेंज करके अपनी लाइफ को ठीक कर सकते हैं। रियली डॉक्टर साहब हम आज अभिभूत हैं आपसे, प्लीज कंटिन्यू करें, मैं क्वेश्चंस लेता रहूंगा। यस, मेरे साथ कोई भी आदमी चाहे वो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है चाहे कोई भी है, नेशनल टीवी पे कहीं भी कहीं से भी प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन करेगा नहीं लेकिन करेगा नहीं कहीं भी मैं ऐसे अभिमान से नहीं बोल रही, इस चीज के ऊपर रिसर्च बहुत हुई है, मैंने पढ़ा बहुत है, बहुत लोगों को सुना है, बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए, अपनी लाइफ में देखा है, अपने क्लाइंट्स को देखा है, अगर मेरे पास ही बैठा हुआ है एक बुक पढ़ी हुई है और पाल की बुक है हाउ नॉट टू डाई, ये माइकल ग्रेगर है, इनकी आप नाम लिख लीजिए इनका, माइकल ग्रेगर का, तो इनकी बुक बड़ी जबरदस्त शानदार बुक है, आप इसको पढ़ना चाहिए। आप नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए मैं 2 घंटे में लेक्चर दे रहा हूँ, लेकिन अगर पढ़ सकते हैं बहुत अच्छी बुक्स है ताकि आपको सब चीजें मिल सके जो बात कर रहा हूँ। ऐसे लगभग मेरे पास 78 बुक्स हैं, तो कुछ मेरी फेवरेट बुक्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो एंटी कैंसर लिविंग है, ये एंटी कैंसर लिविंग है, 6 स्टेप सोल्यूशन टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ बेस्ड ऑन द लेटेस्ट साइंस एंड एविडेंस फ्रॉम क्लिनिकल ट्रायल्स, एक क्लिनिकल ट्रायल साइंस के ऊपर बेस्ड है, कैंसर लिव विदाउट कैंसर कैसे जिया जाए, बिना डायबिटीज कैसे जिया जाए, जो पहले जो है माइकल ग्रेगर उनका तो आप देखेंगे वेबसाइट में जाएंगे, कमाल की रिसर्चेस हैं, थोड़ी बोरिंग है आपको, टेक्निकल है, लेकिन पढ़ेंगे एक डॉक्टर को सुनेंगे, ही इज आल्सो डॉक्टर, तो आपको पता चलेगा कैसा कैसा काम हो रहा है। इंडिया में 100 लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ और मेरे साथ भी अभी ग्रुप में 3 लोग जुड़े हुए हैं, डॉक्टर
सौरभ रंजन है, तो सौरभ डॉक्टर सौरभ रंजन का हाई कर देंगे तो पता चल जाएगा ग्रुप में है, तो वो भी इसी बात पे काम कर रहे हैं और हम दोनों इकट्ठे बहुत जगह काम करते रहते हैं और मिलते रहते हैं, आगे चलते हैं। तो ये मोटापा है, मोटापा बहुत बड़ा कारण है डायबिटीज का, लोग मानेंगे नहीं। मोटापा का मतलब फैट, जो फैट है काम कैसे करता है, जैसे कि मैकेनिज्म डिस्कस किया, जो रिसेप्टर्स है रिसेप्टर्स ब्लॉक हो गए हैं, ब्लॉक हो गए हैं, और उसके अंदर जो इंसुलिन है खड़का रही है अपना दरवाजा टक 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 टक, शुरू में इंसुलिन लेवल ब्लड में राइज होता है, जब पैनक्रियाज हार जाता है तब लो होते हैं इंसुलिन, तो बात देनी पड़ती है हमें। तो शुरू में इस तरह होते हैं वो बंद हो जाते हैं, तो वो ब्लॉक कैसे होते हैं फैट के कारण। तो पाया गया 90% लोग जिनको डायबिटीज थी वो ओबीस थे या उनके बॉडी के अंदर फैट ज्यादा था। देखने पतले लग सकते हैं लेकिन उनकी बॉडी में जो परसेंटेज ऑफ फैट है वो ज्यादा था, इसके लिए उसी वजह से उन्होंने चेक भी किया, जो नॉर्मल पर्सन है उसकी बॉडी के अंदर 150 माइक्रोमोल्स पर लीटर होता है, जो ओबीस पर्सन होता है उसके अंदर 600 टू 800 माइक्रोमोल्स पर लीटर होता है, उन्होंने माइक्रोस्कोप के साथ चेक किया। तो इतने जो होते हैं वो आके उसको काम कैसे करता है, मैकेनिज्म क्या है, साइंस क्या है, क्योंकि मैं साइंस बोलता हूँ, क्योंकि हर जगह बोलता हूँ बिकॉज बीइंग अ डॉक्टर, ये तुम बोल तो रहे हो लेकिन इसका साइंस क्या है, इसके पीछे इसके लॉजिक क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है। हम उठा आदमी है उसको डायबिटीज ज्यादा होगा, सुनिए, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं, और जब हम अडल्ट हो जाते हैं लगभग 18-19 साल के बाद तो हमारे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजिंग करते हैं, तो हमारे नंबर ऑफ फैट सेल्स इन बॉडी रिमेन्स द सेम। अब जितना भी खा लो तो हम मोटे हो जाएंगे, मोटे कैसे होंगे, वही सेल जो छोटा सा था वही सेल बड़ा हो जाएगा। आपने देखा होगा कपूर फैमिलीज में, ऋषि कपूर, राज कपूर, रणधीर कपूर, सभी लोगों को, ये लोग बचपन पतले हो गए लेकिन बड़े आए, थोड़े से बुढ़े हुए तो फिर से मोटे हो गए ये लोग। तो इनमें क्या उनकी बात नहीं कर रहे, सेल्स हैं वो नंबर सेल का सेम रहता है, वो सेल्स का साइज जो है वो बड़ा होता रहता है, सेल की कैपेसिटी होती है, वो सेल नहीं उसको कैरी कर सकता तो उसको स्पिल ओवर कर देता है, जो स्पिल ओवर करता है जो फैट को वो बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, वो बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है तो ये वाला जो माइक्रोमोल्स है ये माइक्रोमोल्स बॉडी के अंदर बढ़ जाते हैं, जो रिसेप्टर होते हैं रिसेप्टर के ऊपर लग जाते हैं, रिसेप्टर अंदर लगने के बाद उसको ब्लॉक कर देते हैं, ब्लॉक करने के बाद वो इंसुलिन काम नहीं करती है, रेजिस्टेंट हो जाती है। अब इसका इलाज क्या है, अब बॉडी के अंदर जो फैट सेल्स है उसको कम कर दीजिए तो स्पिल ओवर इफेक्ट है वो कम होगा, जो रिसेप्टर के ऊपर लगी हुई है चिकनाई लगी हुई है ऊपर फैट लगा हुआ है ब्लॉक किया हुआ है उतर जाएगा, इंसुलिन काम करने लगेगा, रिसेप्टर भी वही है इंसुलिन वही है, अगर शुरू में ये काम कर लिया जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। अमेरिका में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, ओबेसिटी, क्योंकि अमेरिका में लगभग जो बच्चे हैं लगभग बड़ा नंबर है 27%, यानी कि हर चार में से एक बच्चा ओबीज है। इंडिया में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, इसी की वजह से जो अमेरिका है वो डायबिटिक हब है और इंडिया भी डायबिटीज का हब बन गया है, और सिम्टम्स अलग अलग है, बात करेंगे टाइम का मौका मिला। तो दो तरह के फैट होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड फैट जो कि आपके डेयरी प्रोडक्ट्स में होते हैं, मीट में होते हैं, एग्स में होते हैं, यहाँ पे आपका जो डेयरी प्रोडक्ट्स है यहाँ पे आपका मिल्क भी आता है, तो इनका क्या होते हैं, ये आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, जो सेल्स के ऊपर है रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं ताकि यहाँ पे इंसुलिन काम नहीं करती है, रेजिस्टेंस बोलते हैं ना कि हम काम नहीं कर रहे, रेजिस्टेंस पड़ गया फिर और जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा, फिर से मरा हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। एक अनसैचुरेटेड फैट्स जो कि नट्स के अंदर, ऑलिव्स के अंदर, एवोकाडोस के अंदर होते हैं, तो वो आपके जो सैचुरेटेड फैट के नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उसको कम करते हैं, और जो इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस है उसको भी बहुत कम करते हैं। फास्ट चलेंगे थोड़ा सा इसी ओबेसिटी के ऊपर और आगे चलते हैं, जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो अकुमुलेट टॉक्सिन्स करते हैं टूटने के बाद, जैसे कि सेरामाइड्स है, डाई असाइल ग्लिसराइड है, ये लोग फ्री रेडिकल्स जो है ये इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं, माइक्रोकॉन्ड्रिया का डिसफंक्शन क्रिएट करते हैं। जब भी किसी सेल की इन्फ्लेमेशन होगी, मान लो किसी प्रॉब्लम होगी, जैसे किसी राज्य में हमला किया किसी ने, जैसे इंडिया में हुआ कोरोना वायरस आया, हमने क्या कर दिया, लॉकडाउन कर दिया, वैसे जब इन्फ्लेमेशन होगी, आइटिस आएगा, कुछ भी इन्फ्लेमेशन होगी, जहां भी आइटिस आएगा ना थोड़ा बहुत अंदर जाएगा, उसमें इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फ्लेमेशन माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा डिसफंक्शन हो जाएगा, एटीपी काम नहीं करेगा, आप लेथार्जी फील करोगे, कम चलोगे और कम चलोगे, फैट और जमा होगा और फैट जमा होगा, तो और डायबिटीज बढ़ेगी और डायबिटीज बढ़ेगी, वो उल्टा एक तरह से स्नोबॉल इफेक्ट शुरू हो जाता है जिसको हम मेडिसिन के थ्रू ठीक करने की कोशिश करने लगे रहते हैं और वो कभी ठीक नहीं होता, और एक दिन आपकी कॉम्प्लिकेशन इतनी बढ़ जाती है उसको मैनेज करने में लगे रहते हैं, आपको हेल्थ नहीं मिलती है, और एक दिन आता है जब सभी लोग बोलते हैं राम नाम, यस लाइफ बख्श में बहुत मजा आता है ये बोलने का। तो ये है मेडिसिन का और फैट का रीजन, आपको क्यों नहीं खाना चाहिए, क्यों आपको प्लांट बेस्ड खाना चाहिए। और मैं यहाँ पे कोई वेजिटेरियनिज्म या किसी और इज्म की प्रमोशन करने नहीं आया हूँ, मैं साइंस का बोलने आया हूँ, जो साइंस बोलती है। मैं बोलूँ, अगर बोले संदीप तुम कितना खाते हो, क्या खाते हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, जो
क्योंकि हमारे बाहर के सेल्स आ रहे हैं वो हमारी उसको डाइजेस्ट नहीं करती, उसको एज फॉरन बॉडी मानती है, उसको मारने के लिए जो हमारे रक्षक है, हमारे जो सोल्जर है बॉडी के, उनको मारने के लिए आते हैं, काफी तक मार पाते हैं, जब नहीं मार पाते हैं तो वो अपने ही सेल को मारना शुरू करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑटोइम्यून डिजीज होती है। और जो टॉक्सिन होती है ये आगे जाके सिर्फ पैनक्रियाटिक कैंसर को जन्म देती है और डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर को और काफी कुछ। एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ यहाँ पे, डायबिटिक ग्लूटेन फ्लूट्स होते हैं बहुत सारे, जो कि हम प्लास्टिक के डब्बों में होता है, टिंड फूड में होता है, तो रिसर्चर ने ढूंढा ये एक ऐसा केमिकल है जिसको बोलते हैं हेक्साक्लोरोबेंजीन, जो कि टिंड फूड और एनिमल फैट में बहुत ज्यादा होता है। जो ये जिनके अंदर ये हेक्साक्लोरोबेंजीन होती है जिनकी ब्लड स्ट्रीम में, उनको 38 टाइम्स ज्यादा चांसेस है डायबिटीज होने के। यस, टिंड फूड खाते हैं उनको 38 चांस। अगर जो टिंड फूड नहीं बताया मेडिकल साइंस पूरे 5 साल 10 साल 20 साल जितना भी लोग पढ़ना चाहे, लोग MBBS MD सुपर स्पेशलाइजेशन, तो टोटल 8000 डिजीज होती है, 8000 डिजीज पढ़ाई जाती है, 8000 रीजन होंगे, तो 8000 रीजन होगा तो 8000 ट्रीटमेंट होगी, ऐसा पढ़ाया जाता है, तो लोगों को ऐसे बताया जाता है, तो लोग कहते हैं अरे इसकी डिजीज होगी, लेकिन नहीं, हमारी बॉडी तो एक है, हेल्थ तो एक है, अगर हम हेल्थ को ठीक कर देंगे तो सारी डिजीजेस ठीक हो जाएंगी। मान लीजिए मेरी उंगली को कुछ होता है, तो उंगली को ठीक करने के लिए सिर्फ उंगली काम नहीं करेगी, फिर पूरी बॉडी काम करेगी। मेरी हार्ट को कुछ होता है, सिर्फ मेरा हार्ट काम नहीं करेगा उसको ठीक करने के लिए, मेरी पूरी बॉडी काम करेगी, पूरी बॉडी सब कुछ वीक होगा, जिएंगे तो इकट्ठे जिएंगे। इसको बोलते हैं वन फॉर ऑल फॉर वन, हर एक ऑर्गन जो है वो एक दूसरे से काम करता है, एक मशीन की तरह, फैमिली तरह रहता है, वन फॉर ऑल फॉर वन। अगर मरेंगे तो इकट्ठे मरेंगे, जिएंगे हाँ इसके पास वाले जो होंगे वो जल्दी हो जाएंगे, बाद में दूर वाले जो होंगे जिनका इफेक्ट होगा वो बाद में होंगे, लेकिन वन फॉर ऑल। और अगर हेल्थ के ऊपर काम किया जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, और आज हम हेल्थ के ऊपर ही बात करेंगे। और अभी जो हम बात करने वाले, अभी तो इंट्रोडक्शन थी, अभी आप अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये हम टाइप थी, ये था इंट्रोडक्शन। हम करेंगे तो सीखा हुआ कैसे है, कैसे होता है, इसके मेडिसिन के नुकसान कैसे कैसे हैं, क्या क्या हैं, अभी हम जो बात करने वाले हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से बैठिएगा। और मैं चाहूंगा आप सभी लोग कॉपी पेन पास पे रख लें, क्योंकि बाद में ये चीजें आपको कहीं से पढ़ने को एक जगह पे नहीं मिलेंगी, जब आप लिखते रहेंगे, काफी लोग लिख ही रहे हैं अपनी डायरी में जो मैं देख पा रहा हूं, तो ताकि आप वेरीफाई भी कर सके 6 मार्च 2018 ये सब चीजें, आई मीन इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, तो लिखते रहिएगा, काम में आएगा। लिखते रहिएगा, रिवाइज करते रहते हैं, जो चीज हम रिवाइज करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहती है, हम उस पर एक्शन ले सकते हैं, और अगर हमने सुना उसको छोड़ तो कभी भी हम उस पर एक्शन नहीं ले सकते हैं, लेंगे तो थोड़ी देर बाद वो एक्शन डाउन होने जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बाहर ज्यादा है। कल को टीवी में आएगा अरे कोका कोला पियो, 7-Up पियो, तो आप में जीत डर के आगे जीत है, चॉकलेट खाओ लड़की पड़ जाएगी, चीनी खाओ तो खुशी मिलेगी आपको, ये जो बंद डब्बा है ये आपको हेल्थ देता है, तो आपको लगता है वो चीज़ आप भूल जाते हैं, वो चीज़ सुनने लग जाते हैं। चलो अगर हमारे टाइम हो तो हम और डिस्कस करते हैं, मेरा फेवरेट टॉपिक है जो मैं बात कर रहा था, कैसे हमारे एडवर्टाइजमेंट है हमें लाइफ स्टाइल और हमें कैसे तबाह कर रही है, लेकिन अभी आज मैं यहाँ बात नहीं करूंगा क्योंकि समय बहुत 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 कम है और काम बहुत ज्यादा है, कि डराने का काम हो गया, कैसे कैसे होती है और कैसे कैसे चीजों का प्रॉब्लम आती है, अभी हम बात करेंगे कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। जिस बात के जब भी हमारी इंसुलिन रिलीज होती है उसके साथ में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर भी रिलीज होते हैं, जो कि हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, हमारी जो कैंसर है उसका कारण बनते हैं, कैसे हमारे डायबिटीज का और ज्यादा काम करते हैं, जैसे कार्ब लोडिंग होता है, जैसे ये चीज एकदम से बॉडी के अंदर एकदम से टूटते हैं, एकदम से ग्लाइकोजन का या ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देते हैं, जैसे बॉडी के अंदर है एकदम से शुगर को बढ़ाते हैं और एकदम से पैनक्रियास को काम करना पड़ता है, एकदम से सेल्स के अंदर जाना पड़ता है, तो सब चीज बढ़ जाती है, जो कि डायबिटिक पेशेंट के लिए एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिनकी ब्लड शुगर लेवल ऑलरेडी 150 से ऊपर है उनको एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। ये जो लोग एथलीट्स होते हैं और होते हैं, उनको एकदम से एनर्जी चाहिए होती है, वो कार्ब लोडिंग करते हैं, उनको एनर्जी चाहिए, हमें बैठते हैं हमें वो एनर्जी चाहिए, हमारे ब्लड में सिर्फ 5 ग्राम शुगर या शुगर बोलना गलत होगा, ग्लूकोज चाहिए, इससे ज्यादा ग्लूकोज की हमारे सेल्स को जरूरत नहीं है, 6 ग्राम हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7 ग्राम हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डॉक्टर एंडी ने हमें बोल दिया है, बता दिया है, हमें डॉक्टर एंडी की बात सुननी चाहिए। तो दूसरी बात क्या है, हमें जो है वो एसिडिक फूड्स से अल्कलाइन फूड्स में आना पड़ेगा, जो फूड्स होते हैं एसिड जो होता है वो सेल्स के होते हैं, उसके रेजिस्टेंस बढ़ाता है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ाता है, उसको डिस्ट्रॉय ज्यादा करता है,
उसे आइटस इंफ्लेमेशन ज्यादा, दूसरा है फ्रूट है जो नेचुरल पानी है और पानी कहीं भी नहीं है, और हमारी बॉडी जो है 70% वाटर है, 30% जो है हमारा सॉलिड है, हमारी बॉडी को 70% वाटर वाली चीजें चाहिए, पानी चाहिए, तो उसमें स्प्राउट्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, तो 70% जो हमारी खाने का पार्ट होना चाहिए फ्रूट्स स्प्राउट्स जो पानी वाली है, सारी चीजें होनी चाहिए, ना कि ये सॉलिड चीजें। तो हम क्या करते हैं, हमारा 90% सब कुछ है और फ्रूट हम कब खाते हैं, जब आदमी बीमार हो। अरे फ्रूट्स खा रहे बीमार हो क्या? मेरे को याद है जब मैं छोटा था, किसी घर के आगे संतरे के छिलके मिल जाते थे तो लोग पूछने आए थे, अरे घर में कोई बीमार पड़ा है क्या? तो ये स्प्राउट्स हैं बहुत बढ़िया चीजें, बहुत कमाल तरीके से खा सकते हैं, उसके नींबू डाल के काली मिर्च डाल के उनको और टेस्टी बना सकते हैं, उसको स्टीम कर सकते हैं। सैलेड्स, सैलेड आपको पता है आजकल खीरा है, तर है, टमाटर है, कितना कुछ है, बहुत सारी चीजों का मिला के सैलेड बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये है जो अपनी पत्ता गोभी होती है उससे न्यूरोसिस्टोसारकोसिस होता है, उसमें कीड़ा होता है, तो उसको लगभग 10 मिनट आप उसको स्टीम कर सकते हैं। घर में स्टीमर जरूर रखिए क्योंकि स्टीम की हुई चीजें, मैंने बेटी की बुक देख रहा था वो थर्ड में है, तो उसको भी थर्ड में पढ़ाया जाता है कौन से खाने हेल्दी होते हैं, खाना पकाया कैसे कैसे आता है, तो पास में रखा हुआ है ये, जब खुलेगा तो अमेजोन से कहीं से मंगवा सकते हैं। इसके अंदर 3 लेयर्स होती है, पहला ये ग्लास होता है ऊपर, फिर ये वाली लेयर होती है और फिर ये होती है, इन 2 लेयर्स में आप अलग अलग चीजें रख के स्टीम कर सकते हैं, और स्टीम किया फूड सबसे ज्यादा हेल्दी होता है, इसलिए बोलते हैं जो इडलीज होती हैं वो वर्ल्ड का सबसे हेल्दीएस्ट ब्रेकफास्ट है, फ्राइड इडली नहीं स्टीम इडली, राइट। फिर आते हैं सोक नट्स एंड सीड्स, इनको खाना कैसे, आप लिख लीजिए थोड़ा सा अगर आप बैठे हुए हैं तो, नट्स को कैसे खाना, लोगों को नट्स को और सीड्स को खाना ही नहीं आता, इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है इनको क्यों खाना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो लाइफ में आपके ना B12 ना कैल्शियम ना फिर मिनरल ना क्रोमियम ना आयरन कभी कम नहीं होगा, सिर्फ इतना सा खाने से सीड्स और नट्स को। तो खाना कैसे है, बड़ा साइंटिफिक है, आप 2 कटोरी लीजिए, 1 कटोरी में आप डालिए खजूर, अंजीर, मुनक्का, एप्रिकॉट एंड किशमिश, और दूसरी कटोरी में डालिए बादाम, काजू, 4 तरह के सीड्स आते हैं, एक पंपकिन सीड्स आते हैं, आपके खरबूजे के सीड्स आते हैं, आपके सनफ्लावर के सीड आते हैं, ये सीड्स डालिए आप, और उसके बाद आप एक काजू, एक बादाम, सीड्स हो गए आपके, एक आधा अखरोट डालिए उसके अंदर, और जो और भी आपके पास ड्राई चीजें हैं वो ड्राई सीड्स हैं वो डाल दिए, जो आपके फ्लैक्स सीड्स होते हैं, जो आपकी खसखस होती है, जो आपके ये तिल होते हैं उनको भिगोने की जरूरत नहीं, वो ऐसे खा सकते हैं। और इधर मूंगफली डालिए, कितने बादाम डाल रहे हैं, 10, 20, 50, नहीं, 1 बादाम, 1 काजू, आधा अखरोट, 1 मूंगफली का दाना, उधर कितना डालना है, 1 खजूर, 1 अंजीर, 1 एप्रिकॉट, 1 किशमिश, 1 मुनक्का, दैट्स ऑल। तो जो आपका ये 2 कटोरी बन गई, दोनों को अच्छी तरह धो लीजिए, धोने के बाद दोनों को पानी में भिगो दीजिए, जो इधर वाला है बादाम काजू और अखरोट वाला है उसका पानी गिरा दीजिए और उसको छील के बादाम को वैसे खा लीजिए, और जो इधर वाला है उसका पानी भी आप पी लीजिए, सिर्फ 1 अखरोट 1 बादाम। अगर आप 6 महीने खाएंगे तो आपको कोई विटामिन B12 कैल्शियम किसी भी मिनरल की कमी कभी आ ही नहीं सकती, सिर्फ 1 बादाम 1 काजू कंटिन्यूसली। ऐसा क्यों करते हैं, साइंस क्या है, उसका पानी पीना उसका पानी नहीं पीना, बहुत लोग पूछते हैं मुझसे, रीजन ये है जो सीड्स होते हैं उसके अंदर लाइफ फोर्स होती है, बचा के रखा होता है, नेचर ने ऐसा बनाया लाइफ फोर्स को सेव करने के लिए बीज के अंदर केमिकल्स हैं, अगर हम उनको भिगो के रखते हैं तो केमिकल्स जो हैं वो पानी के अंदर चले जाते हैं और उस केमिकल्स को फेंकना पड़ता है क्योंकि वो बॉडी के लिए हैं, बॉडी के लिए नहीं है। और दूसरी जगह पे यहाँ पे अपना खजूर है, अंजीर है, बाकी सब चीजें हैं, उनको क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि उनमें वो लाइफ फोर्स नहीं है, उनको खजूर को बीज के खजूर नहीं बना सकती है, अंजीर को बीज के अंजीर नहीं बना जा सकती, उनके बीज निकाल दिए जाते हैं, इसके लिए उनका पानी भी सेहत के लिए बहुत अच्छा है और बहुत मीठा होता है। यहाँ पे चलते चलते मैं एक बात बता देता हूँ थोड़ी सी, ये बड़ी बात है, अगर आप 1 किलो आम खाते हैं और थोड़ी शुगर खाते हैं, रिफाइंड शुगर खाते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, जो शुगर है वो डेंजरस है, 1 किलो आम है वो इतना डेंजरस नहीं है क्योंकि ये फ्रक्टोज है, और मीठे का कुछ लेना देना नहीं है टेस्टर का, अगर आपका आम बहुत मीठा है इसका मतलब ये नहीं उसमें शुगर बहुत ज्यादा है, इसका मतलब वो टेस्टी ज्यादा है, आप उसको खा सकते हैं, आम को भी खा सकते हैं। तो लेकिन पहले जब बोलूंगा सब चीजें, ये स्मूदीज, स्प्राउट, सैलड्स, सोक नट्स एंड सीड्स, इसको खाना शुरू कर दीजिए, 6 महीने का आप जितना चाहेंगे गन्ने के 2 ग्लास पीना चाहेंगे, आप मुझे खुद कॉल करेंगे, आप खुद बोलेंगे संदीप सी जो है डायबिटीज हो गया, एक्टिव फील करता हूँ, एंजॉय करता हूँ लाइफ का और बहुत कुछ। तो इसी बात
को आगे बढ़ाते हैं, जो रिफाइंड फूड है उसको कम कर दीजिए, क्योंकि रिफाइंड फूड में ये कुछ भी नहीं होता है, ना क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, जिंक, मैग्नीशियम, कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि रिफाइंड फूड के अंदर इन सबको रिमूव कर दिया जाता है और इंटेस्टाइन में फ्री रुकता है। हमारे कुछ सोल्जर्स होते हैं, पहचानते हैं, उनको रोकते हैं, भाई रुक जाओ, आराम से मैं भेजूंगा मैं। जब ये नहीं होते हैं तो ये फूड जो होता है इंटेस्टाइन रिकॉग्नाइज दीज एलिमेंट्स, बट एब्सेंस ऑफ लीड्स टू अ डायरेक्टली पासेज ऑफ द ब्लड, और डायरेक्टली ब्लड में चले जाते हैं, ग्लूकोज को हाई कर देते हैं। जिस भी चीज के आगे रिफाइंड होता है ना, उन्होंने हमें बेवकूफ बना के बोल दिया, रिफाइंड खाओ, रिफाइंड घी खाओ, रिफाइंड आटा खाओ, रिफाइंड ये खाओ, वो खाओ। अगर पूछा जाए ये रिफाइंड जो है, मेरे को मेरी टीम बोल रही है स्लो बोलिए, क्योंकि मेरे को दिमाग में ये चल रहा है, काम बहुत ज्यादा है, आपको बताना बहुत कुछ है और समय बहुत कम है। लेट्स सी, मैं स्लो चलता हूँ। तो लोकमान जी, थोड़ा सा आप ब्रीफ कर दीजिए, आप कोई क्वेश्चंस हैं, कोई एक्सपीरियंस है, कोई लोग बोल रहे हैं, आपको अच्छा कैसा लग रहा है अब तक का जो अपना वर्कशॉप है सब लोगों को? बिल के देंगे खुशी होगी, आप क्या सोच रहे हैं? नहीं तो ऐसा लग रहा है मैं सीधे फेसबुक के ऊपर लाइव हूं, तो इट विल बी डिफरेंट, टेल समथिंग। होस्ट हो सर, लोकमान सर होस्ट नहीं है। तो रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं इंग्लिश का सेशन, सर इंग्लिश का सेशन बहुत जल्दी लेके आएंगे, और टाइम बहुत कम है, तो इसलिए इंग्लिश में भी हम सेशन लेके आएंगे, लेकिन अभी क्या है, अभी ऐसा है क्योंकि दोनों को ट्रांसलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम वो इंग्लिश में लिखी हुई है, और जब बोल रहा हूँ तो आप सबको शायद समझ तो आ रहा है, लेकिन हाँ कुछ मिस हो रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो वो हम कोशिश करेंगे। तो रेज हैंड कर रहे हैं, वो कुछ बोलना चाहते तो सुनते हैं जी। मैं आप सर क्वेश्चन टाइप करें, आप सबसे अनुरोध है कि सबको अगर अनम्यूट कर देंगे तो यस, तो आवाज आएगी, तो ठीक है, ठीक क्वेश्चन सर को बोल के बता दूंगा। राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड फास्ट। तो ये एक मैंने हमने रखा हुआ, ये हमें बताया जाता है जो टिंड फूड है, पैक्ड फूड, टेट्रा फूड है, बहुत बढ़िया होता है, ये है, इसमें ज्यादा है, इसमें बड़ा खूबसूरत तरीके से इतनी पैकिंग की जाती है, और जो ये जो फ्रूट्स होते हैं वो तो गंदी सी रेडी के ऊपर मिलते हैं, उसको खाने में बड़ा मुश्किल लगता है, सस्ते भी होते हैं, ये होता है हम जो गेस्ट आते हैं वो खिलाना चाहते हैं। लेकिन इसमें बहुत बड़ा एक डिफरेंस है, अगर दोनों को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जो लाइफ फ्रूट था उसके अंदर मूवमेंट थी, लाइफ थी उसके अंदर, जो लाइफ थी उसके कारण उसके अंदर प्राण शक्ति थी, तो वो हमारी बॉडी के लिए, हमारे सेल्स के लिए बहुत अच्छा था। ये था दूसरे वाला, उसके में रखिएगा आधे घंटे के लिए, फिर अंदर ठंड में रख लीजिएगा थोड़ा सा रूम के अंदर, फिर उसको आधे घंटे के लिए बाहर रखिएगा, फिर उसको रूम में रख लीजिएगा, फिर उसको फ्रिज में कर लीजिएगा, उसका हाल कैसा होगा? ये जो ड्रिंक्स हैं, ये ड्रिंक्स भी ऐसे ही हैं, ये तो पता है कितने महीने, कभी धूप में जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, छाव में आते हैं, फ्रिज में आते हैं, ठंडे होते हैं, गर्म होते हैं, तो इनका क्या हाल होता होगा, इनके अंदर क्या बचता होगा? तो आज की डिजीजेस का कारण ये बहुत बड़ा है, इनको तो एकदम से पीना नहीं है। ये सर इसमें एक क्लाइंट पूछ रहे हैं कि ये जो कैरेट का, बीटरूट का थोड़ा सा बताए, और ड्राई फ्रूट का जो पहला सेक्शन बताया थोड़ा सा उसको एलाबोरेट कर दें, ड्राई फ्रूट वाला। कैरेट का जूस जो होता है, कैरेट का जूस, ब्रोकली बहुत अच्छी है, आपके जो गट लीकेज है उसको बहुत अच्छा काम करती है। गट लीकेज एक बहुत बड़ा कारण है डायबिटीज का और गट प्रॉब्लम्स का, आपके माइक्रोब्स को मारने का। और जो नट्स वाला जो है, वो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ, उस पर डिटेल में भेज दूंगा उसको पूरा डाटा, क्योंकि उसमें इतना हर चीज की इतनी बड़ी बड़ी साइंस है। तो जितना मैंने बोला है, उसकी दो कटोरिया बनाइए, एक कटोरिया में जो फ्रूट्स है जिसको ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं, एक में जो हमारे ड्राई सीड्स हैं वो रख लीजिए, जिसको ड्राई सीड्स बोलते हैं आप वो डाल लीजिए, उसमें फ्लैक्स सीड हो गए, खसखस हो गई, और आपके ये तिल हो गए, वो डालने की जरूरत नहीं है। जो उसमें आप अखरोट डाल सकते हैं, बादाम डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, उसके अंदर आप जो मैंने बोला है सनफ्लावर ऑयल हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गए, बाकी सब कुछ हो गया वो डाल सकते हैं। तो उसको भी दोनों को भिगोना है, जो इधर वाला उसका पानी पी लेना है, जो इधर वाला उसका पानी गिरा देना है, सिंपल है, सिंपल इज दैट। बाकी हम लोग आपसे जो ग्रुप है उसमें डिस्कस करेंगे, एक नया ग्रुप बनाने वाले हैं, उसमें सब कुछ और डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हमारे टाइम सिर्फ अगर ऑफिशियल टाइम देखा जाए तो 20 मिनट बचे हुए हैं, तो 20 मिनट में आई हैव टू रन रन रन, दौड़ो 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 दौड़ो, ऐसा होगा।
क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी छूट जाएंगी। लाइव फ्रूट और डेड फ्रूट के अंदर बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, उतने डिफरेंस है। आप एक सेब लीजिए, एक पिज्जा लीजिए, उन दोनों को जमीन में गाड़ दीजिए, दोनों को गाड़ेंगे तो एक 3 महीने के बाद देखेंगे तो जो सेब होगा वो गायब हो जाएगा, जो पिज्जा होगा वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। और दोस्तों आप देखे उनको खाना कैसे पका कैसे वो भी बता देता हूँ, थोड़ा तो टाइम लूंगा यहाँ। ये 5 तरह के मार्केट के अंदर ये मिलेट्स मिलते हैं, बहुत सारे लोगों ने सुना भी नहीं होगा। डॉक्टर खादर बनी डिफरेंट डिफरेंट जगह से चूज करके, रिसर्च करके ऐसा उन्होंने ढूंढा। क्यों वीटो राइस क्यों नहीं? क्योंकि फाइबर बहुत कम होता है, वीटो राइस फाइबर 0.2% से लेकर 1% तक होता है, ताकि वो एकदम बॉडी में जाते हैं उनसे छोड़ देते हैं, ग्लूकोज और ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है और फिर से हमें कुछ खाने की भूख होती है। लेकिन ये जो है इनमें जो फाइबर कंटेंट है वो सर्कुलर है, और वो जो फाइबर कंटेंट है 7-10% है, वो धीरे 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 शुगर को छोड़ता है 5 से 6 घंटे में, जो कि हमारी बॉडी को चाहिए, जितनी नीड है उसके हिसाब से वो छोड़ता रहता है। हमें कहीं मेडिसिन की जरूरत नहीं इंटेस्टाइन में देने की भी आपको धीरे धीरे छोड़ने की जरूरत पड़े। ये भी मिलेट्स ऐसे दवाई है, तभी मैंने बोला फूड एज ए मेडिसिन, ये जो फूड है आपका मेडिसिन का काम करेगा। ये कुछ लिखा हुआ है फॉक्सटेल कूडोस ब्रांडयार्ड ब्राउन टॉप मिलेट्स लिटिल मिलेट्स, ये अलग अलग कंट्री से आते हैं। फॉक्सटेल है, ये आपके इटली के मिलेट्स थे, ये आपके जो ब्रांडयार्ड मिलेट्स हैं, ये आपके जापान के मिलेट्स थे, जो ब्राउन टॉप है ये आपके यूएसए के थे। लेकिन यूएसए वालों ने क्या किया, उन्होंने वीट और राइस खाना शुरू कर दिया चक्कर में, और अपने ये जो मिलेट्स हैं वो चिड़िया और उनको डालते हैं। और जो हम आपको एक बात बता दें, जो वीट है, वीट 100 साल पहले हमारी डाइट में नहीं था, अचानक हमारे में ऐड किया गया। जो चाय है, कॉफी है, ये भी हमारे में नहीं था, ये भी हमें 200 साल पहले अंग्रेजों के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। कैसे किया गया, वो आते थे, मदारी नहीं आते थे गांव के अंदर, जो खिला खाते थे बंदर का, सांप का, भालू का, उनके थ्रू बोरी के अंदर डाल डाल के फ्री में बांटा गया, लोगों को आदत डाली गई फ्री में, मेला भी दिखाओ देखो और लोगों को बताओ। फिर लोग बोले बड़े कमाल की बात है, तो फिर लोगों को धीरे आदत पड़ गई, फिर वही चाय जो है हम फ्री वाली चाय आजकल रिलायंस जियो डाटा की तरह खरीद के खा रहे हैं। उनको बनाना कैसे है, उनको बनाने का तरीका होता है, शुरू में तो मैं बोलता था ऐसे ही खा लीजिए इनको, थोड़ा भिगोइए आधा घंटा फिर बना लीजिए, नहीं ऐसे नहीं बनाना। अगर आपको इनको रियली एज ए मेडिसिन खाना है तो इसका बनाने का तरीका आप लिख लीजिए। इसको बनाने का तरीका क्या है, इन सभी मिलेट्स को अगर गर्मी का मौसम है, गर्म प्रदेश में रहते हैं आप, साउथ इंडिया में रहते हैं, तो इनको लगभग 4 से लेकर 6 घंटे तक भिगोइए, राइट। भिगोने से क्या होगा, इनका जो फाइबर होगा और इनका जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है वो लूज हो जाएगा, राइट, आपस में जुड़ा रहेगा, लूजन अप हो जाएगा। और उसके बाद इसको जब आपने भिगोया है, सिर्फ एक बार धोना है, धोने के बाद इसको लगभग 4 से लेकर 6 गुना पानी में भिगो देना है। फिर 6 घंटे के बाद इनको पानी को गर्म करके सुखा देना है, सुखाने के बाद उसके ऊपर एक खद्दर का कपड़ा बांध देना है उसको 4 से लेकर 6 घंटे के बाद। अगर गर्म प्रदेश है तो 4 घंटे, अगर थोड़ा सा कम गर्म है 6 घंटे, अगर बहुत ठंडा है 8 से 10 घंटे। खद्दर का कपड़ा लगा लीजिए, उसके अंदर फर्मेंटेशन हो जाएगी, खमीर हो जाएगा, जो गट के लिए हेल्प करेगा, डिजीज के लिए हेल्प करेगा, डिजीज रिवर्सल में काम करेगा। और इनको खाना कैसे है, अगर आप इसके अपनी साइंस है, इस समय क्या कह सकते हैं, एक डिब्बे में लिख लीजिए फॉक्सटेल कूडोस 1, 2, 3, 4, 5 डे, राइट। पहले दिन फॉक्सटेल खाइए, दूसरे दिन कूडोस खाइए, 3 दिन ब्रांडयार्ड खाइए, 4 दिन ब्राउन टॉप खाइए, फिर लिटिल मिलेट खाइए। आप इसको अलग अलग ढंग की एक रिसर्च है, डॉक्टर्स ने अलग अलग ढंग से किया हुआ है, लेकिन ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे तो लगभग 1 महीने में आप देखेंगे आपका जो बॉडी है, ओवरऑल हेल्थ है, चाहे वो हार्ट की हो, किडनीज की हो, कैंसर हो, चाहे आप नाम लीजिए जो मर्जी, ऑटोइम्यून डिजीज हो, उसका रिवर्सल होना शुरू हो जाएगा। तो इनको खाना उसके बाद आपको ठंडा करना है, आपको गर्म नहीं करना, जब फर्मेंट हो गया, गर्म कर दिया तो सारे का कुछ मर जाएगा उसके अंदर, आपको उसको वैसे के वैसे ही खाना है। मिलेट्स के बाद हम आगे चलते हैं। तो दूसरा जो नेक्स्ट स्टेप आता है मिलेट्स के बाद, खाने के बाद, वो आता है स्टैग्नेंट लिम्फ। जो लिम्फ होते हैं वो हमारे एक इम्यूनिटी का ऑर्गन्स हैं, जो हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो लिम्फ नोड्स जिनको बोलते हैं। लेकिन लिम्फ की एक बड़ी कमाल की चीज है, जैसे हमारा ब्लड है, ब्लड हमारा बॉडी के अंदर जाता है आर्टरीज के थ्रू और वेन्स के थ्रू वापस हार्ट में आता है, उसकी सर्कुलेशन चलती रहती है और हार्ट उसको पंप करता है,
और उसको वेन्स होती है, वेन्स के अंदर वेल्व्स लगे होते हैं जो कि उसको वापस जाने से रोकते हैं। लेकिन लिम्फ्स होते हैं पैरेलल सिस्टम है, जैसे हमारा आर्टरी वेन्स है वैसे लिम्फ नोड्स हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो डिफरेंट लिम्फ नोड से होता है खून जो होता है सेल के बाहर आ जाता है, और जो लिम्फ होते हैं लिम्फ अपना जो वीर एंड टेयर का, रिपेयर का, इम्यूनिटी का काम करते हैं, वो अपने आप वापस नहीं आते। वो कैसे आते हैं? मसल्स की मूवमेंट के साथ में। आप किसी भी मसल की मूवमेंट करोगे तो वो लिम्फ की मूवमेंट होगी। तो लिम्फ्स अगर बैठे रहेंगे, अगर हम चलेंगे नहीं, इवन सिंपल जो हमारे काफ मसल होते हैं जो हमारे लेग्स के पीछे होते हैं उसको बोलते हैं सेकंड हार्ट। क्यों बोलते हैं सेकंड हार्ट? अगर आप उसकी एक्सरसाइज करते हो, सिंपली आप ऐसे ऐसे करते हो तब भी हमारा लिम्फ मूवमेंट होता है। इसके लिए डिफरेंट हमने अपने पूरा हमारा जो एडवांस कोर्स है उसमें पूरा कोर्स बनाया हुआ है हमने कि कौन सी एक्सरसाइज कैसे काम करती है, कैसे आगे लेके जाती है। तो लिम्फ को मूव करना बहुत जरूरी है। अगर आपका लिम्फ मूव नहीं कर रहा तो स्टेग्नेंट है, तो आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है, वो अपनी डायबिटीज के जो दुश्मन है उसके जो पैनक्रेटिक सेल्स को मारने वाले टॉक्सिन्स है उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से डिफरेंट डिजीज धीरे 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 बढ़ती जा रही है। तो लैक ऑफ मसल स्ट्रेंथ, ये बहुत कम लोग बताते हैं और बोलते नहीं है। मसल स्ट्रेंथ जो है, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्लूकोज कौन यूज करता है? मसल्स। अगर आपके मसल्स नहीं है, मेल्स के अंदर 32% हमने रिसर्च के द्वारा ढूंढा है और 26% फीमेल्स के अंदर, तो भी आपके जो ग्लूकोज है वो बॉडी यूज कर नहीं पा रही है, ग्लूकोज रेड के अंदर जा रही है, तब भी आपकी डायबिटीज परमानेंट रिवर्स नहीं होगी। एक समय पे आपका जो डायबिटीज और शुगर का लेवल है, ग्लूकोज का लेवल है, वो नॉर्मल आ जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए आपको करना है तो आपको एक साल के लिए ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। हाँ, हो सकता है बहुत सारे लोग कमजोर हो गए हों, कुछ ऑर्गन में प्रॉब्लम हो, तो धीरे हम आगे बात कर सकते हैं, इसको शुरू कर सकते हैं। शुरू में आप स्टार्ट कर सकते हैं, लिम्फ मूवमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे अपने मसल बिल्डअप के लिए भी काम करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं मेरे से जो वर्कशॉप होती है, हम तो चलते हैं 2 घंटे चलते हैं, 3 घंटे चलते हैं, वो चलना काम में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि चलने से सिर्फ लेग्स की एक्सरसाइज होती है, हमारी जो मेन बॉडी है जहाँ पे सबसे ज्यादा ऑर्गन्स है उसकी एक्सरसाइज कहाँ पे जाएगी? तो उसकी एक्सरसाइज करनी भी बहुत जरूरी है। उसके लिए सूर्य नमस्कार है, जहाँ हमारे बेंगलोर के एक डॉक्टर हैं वो चेयर सूर्य नमस्कार उन्होंने याद किया हुआ है, आगे मैं उसकी फोटो डाली हुई, उसको करना बहुत 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 जरूरी है। अगर आपके ये लिम्फ होंगे तो डायबिटीज परमानेंटली रिवर्स होनी बहुत मुश्किल है। सिक्स जो है वो स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन स्ट्रेस एकदम से आता है तो वो उसको संदीप पे रिपीट करने के लिए एक रिक्वेस्ट आई है कि बस ये जो 4 स्टेप अभी अभी आपने बोले थे, प्लीज एक बार इनको जल्दी से आप रिपीट कर देंगे। थैंक यू। 4 स्टेप सारे हम शुरू से दिखा देते हैं एक बार सबको। सबसे पहले थे इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर्स, व्हाइट ब्रेड, मैदा, शुगर, व्हाइट राइस, उसको हमें खाना नहीं है। फिर एसिडिक फूड हमें नहीं खाना है, सिर्फ अल्कलाइन फूड खाना है। उसके लिए मैंने 5S बोला था, स्मूदी, स्प्राउट, सैलड्स, सोक नट्स एंड सीड्स। था जो रिफाइंड होता है, कैसे हमें रिफाइंड बेचा जाता है, बोल के भी ये रिफाइंड का बहुत अच्छा है। रिफाइंड पीनट ऑयल है, वो निकलने के बाद जो हमारे इंटेस्टाइन है जहाँ पे हमारे जो वॉरियर्स बैठे हुए हैं, हमारे योद्धे बैठे हुए, सैनिक बैठे हुए हैं, तो ग्लूकोज को सीधा जाने देते हैं अंदर, इसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। उसके बाद मैंने बोला था लाइफ फ्रूट के बारे में, डेड फ्रूट के बारे में, क्योंकि उसमें लाइफ फोर्स होती है, और अल्यूमिनियम यूटेंसिल को फेंकने के लिए बोला था। और मिथ्स बोली थी फ्रूट के बारे में, जो मीठे फ्रूट्स होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, जो फ्रूट होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, एकदम मिथ है, बिल्कुल मिथ है। टेस्ट शुगरी टेस्ट का और चीनी का, ग्लूकोज का रिलेशनशिप कितना है? 0। रिकॉर्डेड है, आप सत्य रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, मैं रिकॉर्डिंग वर्जन में बोल रहा हूँ। किसी चीज का मीठा होना, उसका ग्लूकोज उसमें ज्यादा होना, उसका रिलेशनशिप कितना है? 0। अगर आप फ्रूट खा, फ्रूट्स के मामले में बोल रहा हूँ, फ्रूट्स के बारे में हम बोलते हैं ज्यादा चीज मीठी है तो वो शुगर बढ़ाएगी, नहीं, ये मिथ है। तो उसके बाद हमने माइक्रोब्स थे गट के अंदर, उसके बारे में बात किया, माइक्रोब्स जो गट में हैं उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसके बारे में बात किया। फर्मेंटेड फूड के बारे में बात की और उसके बारे में मिलेट के बारे में बात किया। मिलेट 3 तरह के होते हैं, नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, न्यूट्रल मिलेट, उसके बारे में बात किया। चौथी बात की है और स्टेग्नेंट लिम्फ के बारे में बात की है। जो पांचवी बात की है वो मसल स्ट्रेंथ के बारे में बात की है। सिक्स जो की है, बहुत बड़ा फैक्टर है स्ट्रेस। जब होता है डिफरेंट ऑर्गन्स, हार्ट के ऊपर, आपकी एनर्जी के ऊपर, सेल्स के ऊपर, एटीपी के ऊपर, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर सीधा अटैक करता है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, कंटिन्यूस स्ट्रेस जो है वो एक तरह से वो जंक है, वो दीमक है जो कंटिन्यूसली आपके बॉडी को अंदर से ऐसे 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 खोद रही होती है। उससे आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है, डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन बढ़ती है, जो एंडोथेलियम डिसफंक्शन बढ़ता है, जो एंडोथेलियल लेयर है हमारी ब्लड वेसल के अंदर वो डिस्ट्रॉय होती है, एंडोथेलियल लेयर होती है, और बीटा सेल जो पेनक्रियाज में उसका एपोप्टोसिस होता है, सेल्स जो है मर जाते हैं, उसका पेनक्रियाज एक दिन काम करना बंद कर देता है, फिर बाद में पेनक्रियाटिक कैंसर हो जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग
व्हाइट कोट सिंड्रोम। तो इन लोगों को जो व्हाइट कोट सिंड्रोम होता है, लोग बैठे रहते हैं, स्ट्रेस ज्यादा होता है, बैठे रहते हैं और एक्सरसाइज करती है, चलते फिरते नहीं है। फिर देखा आपके घर के काम वाले को, रिक्शे वाले को, ये जो रेडी वाले हैं, फ्रूट्स वाले हैं, इनको कभी शुगर हुआ हो, डायबिटीज हुआ, हार्ट अटैक से मरे हो? ना, ये लोग भूख से मरते हैं क्योंकि इनका माइक्रोब्स जो होते हैं, रुखी सुखी खाते हैं फिर भी इनके माइक्रोब्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि ये लोग हेल्दी होते हैं। और हम लोग जो है, ये जो है, ये डिजीज है जो अपर क्लास की डिजीज और मिडिल क्लास की डिजीज है, गरीबों की डिजीज नहीं है डायबिटीज, राइट। तो मिल्क के बारे में बात करते हैं। मिल्क के लिए मैंने नो 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 3 बार लिखा हुआ है, उसके बारे में काफी डिस्कशन भी हो चुकी है। और आप सोचिए, आप गाय का मिल्क बढ़ाने के लिए एस्ट्रोजन दे रहे हैं, ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं, बॉडी में आ रहे हैं, जो बच्चे हैं, कितने बच्चों को मैं देख चुका हूँ, मेरा डॉक्टर फ्रेंड, खुद का फ्रेंड है, खुद मेरा फ्रेंड है, खुद डॉक्टर है, और उसकी बेटी है, उसको 8 साल की उम्र में मेंसेस स्टार्ट हो गए, आजकल तो 6-7 ईयर में शुरू हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, क्योंकि हमारे ग्रोथ फैक्टर्स बहुत बढ़ गए हैं, हमारी बॉडी के अंदर आर्टिफिशियल ये हार्मोन्स जा रहे हैं, एंड दे हैव लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। अगर आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, तो उसको दूध तो लगता है आपको ये बात हजम नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, फिर से बोल रहा हूँ, तो उसको दूध मत दीजिएगा, क्योंकि उसको जो दूध दे रहे हैं, हाँ, आपको दूध देना है, नुकसान। संदीप ने बताया इवनिंग टी, उसे आप काढ़ा पी सकते हैं, बनाया हुआ डिफरेंट काढ़े हैं, जैसे आजकल जो आयुष मिनिस्ट्री बोलते हैं, वो काढ़ा बहुत अच्छा है, उसके साथ में आप कुछ थोड़ा सा ले सकते हैं। और बहुत बड़े वहम है, टाइम होता बताता, व्हाइट ब्रांड में, ब्राउन ब्रांड में कोई डिफरेंस नहीं है। तो घर का बना हुआ कुछ हेल्दी खाइए, तला हुआ मत खाइए, और रात को डिनर में कम खाइए, और उसमें भी आप दाल सब्जी कुछ भी बना के खाइए, आटा और चावल से मत खाइए। इवन आप जो मिलेट्स हैं, सिर्फ आप भिगो के नहीं खा सकते, मिलेट्स को आप बॉइल करके इसकी इडली बना सकते हैं, आप इसका चिल्ला बना सकते हैं, आप इसको एज ए जिसे चावल का पुलाव बनाते हैं, पुलाव बना सकते हैं। इसकी बहुत सारी रेसिपीज हैं, मिलेट्स की भी इतनी रेसिपीज हैं, आप खा खा के टेस्टी इतनी बनती है, कमाल की। इसे वेजिटेबल डाल के बड़ी कमाल की डिशेस बनती हैं। तो आप इन सब चीजों को यूज कर सकते हैं अपने घर में, चेंज करना पड़ेगा लास्ट में डिनर, और डिनर और ब्रेकफास्ट में एटलीस्ट 12 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए अगर आप डायबिटीज को रिवर्स करना चाहते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। 7 दिन में आपकी जो मेडिसिन इस खिड़की से बाहर जा सकती है, ये है। यस, एंट्री के बारे में बात कर रहा हूँ। यस, डायबिटीज रन्स इन फैमिली बिकॉज नो वन रन्स इन फैमिली। जिस फैमिली में लोग हेल्दी फील नहीं करते हैं, रनिंग नहीं करते, एक्सरसाइज का माहौल नहीं है, उसकी जो मदर जो एक्सरसाइज नहीं कर रही है, फादर एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, बच्चा भी नहीं करता होगा, तो बच्चे को डायबिटीज हो जाएगी। लेकिन अगर बच्चा अपना लाइफस्टाइल चेंज कर ले, मदर को जो भी डायबिटीज हो, चेंज हो सकती है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन एक दो आए हुए हैं, जो आए थे, टाइप 1 क्या रिवर्स हो सकती है? टाइप 1 रिवर्स करनी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि पैनक्रियास के बीटा सेल डिस्ट्रॉय होते हैं। लेकिन हमारे केस में हमने जो अपना जो किया, काम किया, उसमें उनकी मेडिसिन बहुत कम होगी, और लगभग 7-9% बच्चे हैं वो ठीक हुए हैं हमारे साथ में टाइप 1 के। तो ओवरऑल हेल्थ का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, और लॉन्जिविटी बढ़ती है इससे जिंदगी की। और मैं बोल दूं, जो हैप्पीनेस होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है पेन एंड इलनेस के। अगर आपकी जो ड्रग्स के वजह से पेन एंड इलनेस है, वो बड़े बाद में सब कुछ बढ़ने वाला है, वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। थोड़ा सा फूड में, हैबिट्स में चेंज कर लेंगे, तो डायबिटीज को आप रिवर्स कर सकते हैं बहुत इजीली। बहुत सारे लोग मैं नंबर और जीमेल मांग रहे थे, उन सब लोग नोट कर लीजिए, आप कभी भी हमें मैसेज डाल के आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं। जो ये था वो इंट्रोडक्शन सेशन था, इसके बाद हमारा एक सेशन जो कि पेड सेशन है, वो हम उसको एडवांस सेशन बोलते हैं, उसको डायबिटीज मैनेजमेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो पता नहीं होती है, जाने अनजाने में हम कर नहीं पाते हैं। उसमें हम प्रॉपर आपके साथ में एक डॉक्टर अटैच कर देते हैं, उसके साथ में कभी भी आप रिपोर्ट्स भेज सकते हैं, उससे बातचीत करते हैं। क्योंकि जिस आदमी फैट कम है, फैट ज्यादा है, दोनों का मैकेनिज्म और टाइट होगी, उनके एक्सरसाइज अलग अलग होगी, बहुत डिफरेंस होगा। किसी की डायबिटीज 400 है, किसी की भी प्री डायबिटीज का, दोनों का बहुत डिफरेंस होगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है इसको लॉन्ग टर्म तक किया जाए, कि एटलीस्ट हमने ये देखा है 6 महीने से लेके 2 साल में आपकी पूरी बॉडी के सारे 3 महीने में हो जाते हैं, इंटेस्टाइन लेयर है वो 6 महीने में हो जाती है, आपकी स्किन, बोन, सब कुछ चेंज हो जाता है। आप 6 मंथ ये फूड खाते हो, ये चीजें मानते हो, जंक नहीं डालते हो, तो बॉडी की पूरी रिजुविनेशन हो जाती है। कोई कैंसर हो, कोई थायराइड हो, कुछ भी हो, आप उसको हील कर सकते हैं। और बाकी जो हमारा एडवांस प्रोग्राम, उसमें साउंड हीलिंग थेरेपीज और बहुत कुछ उसमें ऐड है, क्योंकि हम भी जो थेरेपीज है वो काम करती है, क्योंकि वो लोग जो सारी ये थेरेपी है वो स्ट्रेस को कम करती है, डिजीज को हील करती है। और आपके लिए जो फूड का जो सेशन था, होप इट विल हेल्प एवरी वन ऑफ यू, एंड थैंक यू। और
लोकमान जी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप उनको अनम्यूट करके पढ़ के बता सकते हैं। संदीप सर और यस ग्रुप में मेंबर्स है, इन सबसे रिक्वेस्ट है कि एक टेलीग्राम नाम का ऐप आप डाउनलोड कर लें, उसका लिंक right. हमने दिया, ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें कुछ रिकॉर्डेड सेशन बुक्स हेल्थ की जो फ्री ई बुक है वो हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक को दे दिया है, टेलीग्राम नाम का ऐप डाउनलोड की। टेलीग्राम में 2 लाख लोगों का ग्रुप बनाया जा सकता है, 3 GB प्लस की फाइल भी भेजी जा सकती है। तो टेलीग्राम ग्रुप सबको दिया जा चुका है, आप लोग इसको ज्वाइन कर लें। और ज्वाइन करने के बाद बहुत सारा ये सेशन है, अगर डॉक्टर साहब परमिट करेंगे तो इसको रिकॉर्डेड सेशन इस ग्रुप में हम लोग डाल देंगे, ताकि कोई भी क्वेरी हो आप उस ग्रुप से देख के दोबारा रिव्यू कर लें। एनी अदर क्वेश्चन? आई कैन टेक वन और टू, ऑलरेडी जो प्रॉमिस था हम उससे थोड़ा सा ऊपर चले गए, फिर भी हमारे साथ 175 लोग जुड़े हुए हैं, बड़े कमाल की बात है। Yes, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप क्वेश्चन टाइप कर दें सर। यस प्लीज, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास टाइप होके आ रहे हैं डॉक्टर संदीप। इसमें से एक क्वेश्चन है, रेणुका जी ने पूछा है, क्या चावल हार्मफुल है? बिल्कुल है, खासतौर पे जो आपका व्हाइट चावल है उसके ऊपर सब कुछ आएगा। 2-3 साल पहले एक दवाई ढूंढी है, तो उस दवाई के अंदर B12 है, तो ढूंढो और दवाई को बेचो। पहले तो नहीं होता था, कैल्शियम कम होता था आपके अंदर, विटामिन डी कम होता था आपके अंदर, B12 कम होता, नहीं होता था। तो ये कहना है तो चावल आपके लिए अच्छे नहीं है। आप ब्राउन चावल खा सकते हैं अगर ठीक है, अगर डायबिटीज रिवर्सल करना चाहते हो तो नहीं, आप सिर्फ मिलेट्स खाइए, मिलेट्स को अलग अलग ढंग से बनाइए, पॉजिटिव मिलेट्स खाइए आप, वे न्यूट्रल मिलेट्स भी, बाद में न्यूट्रल मिलेट्स भी खा सकते हैं। और जो रोटी है हमारे लाइफ में 100 साल पहले आई, इससे पहले नहीं थी हमारे, पता नहीं कैसे उन्होंने चाय ऐड कर दी, कैफीन ऐड कर दी, सब कुछ ऐड कर दिया, कैसे ऐड कर दिया कोई नहीं जानता है, क्योंकि तो हमें जो चीज बार बार बोली जाती है वो हमें लगता है वो रियलिटी है, बार बार देख रहे हैं वो रियलिटी है। वो आओगे कि चॉकलेट खाओ उसे स्ट्रेंथ आती है, ड्रिंक पियो उसे हिम्मत आती है, तो लगता है पी लेती है थोड़ी हिम्मत आएगी। तो ये सब कुछ बकवास है, ये सब कुछ जो चीजें अपने घर से उठा के फेंक दीजिए, तभी जो स्टोर्स हैं वो चीजें आपको इसलिए बेचते ताकि उनका काम चल सके। आपने कभी सोचा इतनी बात का? चावल है, सभी लोग चावल खाते हैं, चावल के ऐड करने की जरूरत क्या है? दुनिया में सिर्फ 2 कोल्ड ड्रिंक की कंपनी है, पेप्सी और कोका कोला, इसके ऊपर वो लगभग $200 बिलियन, कितना $200 बिलियन खर्च करते हैं ऐड के ऊपर। क्यों करते हैं वो लोग? सबको तो पता ही है, उनको पता है लोगों को बार बार हम याद नहीं करवाएंगे, लोगों के माइंड से हम निकल जाएंगे और हमने लोग लेना बंद कर देंगे, लोगों को पता चलेगा, इसलिए बार 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 आपकी बम्बार्डमेंट होती है, उससे बचना बड़ा मुश्किल है। उन चीजों को ऐसे देखिए मत, अपने वो लगा लीजिए, चावल आपके लिए व्हाइट चावल अच्छे नहीं है। थैंक यू सर। संदीप, 2 क्वेश्चन को मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। एक पूछा है सतपाल ने, क्या मिल्क प्रोडक्ट्स हम कौन से ले सकते हैं और बेसन लेना चाहिए कि नहीं? बेसन बहुत अच्छा है, बेसन जिससे बनता है आपके छोले होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, लेना चाहिए, लेकिन बेसन का हलवा और वो बार बार तला हुआ नहीं बना चाहिए। बेसन की रोटी और चीजें होती हैं वो अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी होती है। अगर उसमें ग्रीन्स डाल लें आप, उसमें पालक डाल लें आप, उसमें मेथी डाल लें तो और भी अच्छी, चाहे मूली के पत्ते डाल लें तो और भी हेल्पफुल हो जाती है, हेल्दी हो जाती है। और दूसरा आपने पूछा था मिल्क कौन सा प्रोडक्ट लेने चाहिए? यस, मिल्क प्रोडक्ट मैंने जैसे आपको बोला, आपको दूध नहीं लेना है, आपको ये खोआ नहीं खाना, जो खोए की मिठाई है वो आपको नहीं खानी है, आप उसका घी खा सकते हैं, मक्खन खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, चार प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। एक क्वेश्चन आया सर, चाय और कॉफी बिना दूध के पी सकते हैं क्या? चाय कॉफी अगर आप इतना बॉयल करके पीते हैं तो मतलब नहीं है, उसको आप ग्रीन टी, अलग अलग ग्रीन टी आजकल आती है मार्केट में, बहुत प्यारी प्यारी चीज आती है, अलग अलग फ्लास्क की आती है, अलग अलग सीड्स की आती है, अलग अलग तरह की आती है, वो पी सकते हैं आप, तो नींबू डाल के पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको 3 मिनट तक बॉयल कीजिए तो पी सकते हैं। मैं पूछना चाहूंगा, MA करके है, नाम नहीं लिखा इनका पूरा, मैं और लोकमान किसी सर्जन के घर गए थे तो उन्होंने हमको पिलाई थी, बस उस चाय में ना ही टी थी ना ही मिल्क, जाते हैं लौंग डालते हैं, थोड़ी सी मीठी मलाई डाल सकते हैं, थोड़ा सा दालचीनी डाल सकते हैं, थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं, बड़ा कमाल का है वो, तो वो भी आप पी सकते हैं घर पे, थोड़ी तुलसी डाल सकते हैं, तो ये कमाल का कावा बन रहा है। और आयुष ने जो हमारे देश के खुद के डॉक्टर्स हैं वो बोल रहे हैं, इससे इम्यूनिटी हाई होती है, हर एक इंस्टीट्यूट है, चाहे वो आपका सदगुरु हो, चाहे वो श्री श्री रविशंकर हो, सभी लोग ये बात बोल रहे हैं, तो उनकी बात हम क्यों नहीं सुन रहे हैं? ये बड़ी अच्छी चीज चाय, चाहे आप जो मैंने बोला एक इलायची डालिए, लौंग डालिए, दालचीनी डालिए, थोड़ी सी हल्दी डालिए, थोड़ा सा आप उसमें तुलसी डालिए, क्या कमाल के। एक क्वेश्चन है, कौन सा ऑयल खाने के लिए अच्छा है? मैं कि ऑयल में सर तो बताएंगे, पहले देखो कि रिफाइंड ऑयल सबसे बड़े
सोर्स है जिनसे कई तरह की बीमारी होती है। अगर आप अफोर्ड कर सकते तो आजकल छोटी छोटी मशीनें आती हैं 10-12 हज़ार रुपए की, उसमें आप कोई भी डालें वो ऑयल बना देती हैं। सब जगह पोर्टेबल आ रही हैं आजकल, पहले तो आप वो ले सकते थे, वो नहीं ले सकते। तो जो भी ऑयल का, पहले सर आप बताएं थोड़ा सा कौन से ऑयल खानी चाहिए। बता दीजिए आपके बारे में। हाँ देखिए, रिफाइंड ऑयल प्लीज ना खाएं, अवॉइड कर दें, उनको खाके फेंक दें। कच्ची घनी का तेल ले सकते हैं, और इन तेलों का कुछ फन होता है, आपसे गर्मियों का मौसम हो तो नारियल तेल खाना चाहिए, और जब बीच का मौसम हो तो उसमें तिल का तेल खाना चाहिए। तो कोशिश कीजिए कि मैं सिंपल ऐड करता हूँ, हर एक एरिया में हर एक स्टेट में अपना अपना कोई चीज उगती है जो नेचुरल है। उनके यहाँ से 200 साल पहले देख लीजिए क्या उगता था, जो भी उगता था, जो भी आप तेल बनाते थे वो तेल आपके लिए अच्छा है, नंबर वन। नंबर टू, जितना ऑलिव ऑयल जिसको बोलते हैं, हम बोलते हैं ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है, जो वो इटली से आता है जो किसी पहाड़ी बनता है, उतना तो वहां बनता नहीं जितना उससे 20 गुना ज्यादा यहाँ पे हमें बेच दिया जाता है। तो बनता कहाँ से, वो जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उससे बनता है। तो जो ऑयल है जो रिफाइंड ऑयल आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके लिए घी बहुत अच्छा है और कच्ची घानी का ऑयल, नारियल ऑयल अच्छा है, लेकिन उसको पकाया कैसे वो बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे जरूरी बात, आपको सीखना पड़ेगा, बहुत सारी रेसिपीज हैं लगभग 700 करीब जो बिना ऑयल के बनती हैं, स्टीम में आपको ऑयल की जरूरत नहीं पड़ती है, वो आपको सीखना चाहिए। इवन आप ये कच्ची घानी का यूज करते हैं चाहे नारियल का यूज करते हैं, लॉन्ग टर्म में आप इसको फ्राई करके खाएंगे, आप इसको स्टिर करके खाएंगे, जब आपको यूज करते हैं जिस तरह से हम बनाते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, और जो फूल बहुत ज्यादा पकाए जाते हैं उनके न्यूट्रिशन वैल्यू एकदम खत्म हो जाती है। तो वो ऑयल के अंदर ये नहीं है कौन सा ऑयल अच्छा है, ये तो ये चूज हो गया। मैं बोलता हूँ कोई भी ऑयल मत लीजिए, उस ऑयल के बिना भी आप जिंदा रह सकते हैं। घी का चम्मच दिन में खाइए, दैट्स एनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हम खाने के बाद फ्रूट्स ले सकते हैं? ये किरणजोत कौर का क्वेश्चन है, इंसुलिन इंजेक्शन से स्वेलिंग होती क्या सर? बिल्कुल होती है, आपने देखा ही है, वो तो जो पेशेंट्स हैं, क्लाइंट्स हैं, वो सारे बता ही रहे हैं, इंसुलिन से इचिंग होती है, स्वेलिंग होती है, रैशेज होते हैं, जो अपनी स्किन का कलर है वो डिसकलरेशन होती है, वो होती है, और स्लाइड में मैंने डिस्कस भी किया था। और एक क्वेश्चन और आया मेरे पास, व्हाट शुड बी द आइडियल रेंज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन फॉर फास्टिंग? ये और HbA1c फास्टिंग नहीं होती है, जो फास्टिंग ब्लड शुगर ही होती है, जो HbA1c है वो आपका, जैसे कि डॉक्टर एंडी ने बताया, 7 से 8 अगर आपका है तो कोई चिंता नहीं है आपको। और जो फास्टिंग ब्लड अगर आपकी है वो 150 तक भी है तब भी आपको मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत है और खाना थोड़ा चेंज करने की जरूरत है, वो भी आपका नॉर्मल है तब तक बॉडी संभाल लेगी। उससे ऊपर जाएगी तभी आपको प्रॉब्लम सोचने की जरूरत है, 150 तक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये बता रहा है, हमारी बॉडी बड़ी कमाल की बनी हुई है, हमारी बॉडी भगवान ऐसी नहीं है। छींक आती है, क्यों आती है? क्योंकि हमारे नाक से कुछ निकलना होता है, जुकाम लगता है किस कारण है, टेम्परेचर उसका कुछ कारण है, वैसे एक सिम्टम है, इसको पढ़ो ना कि ड्रग्स इसको कम करो, ये नहीं बोला वो दवाई ले लो, बॉडी ने बोला कि तुम्हारा शुगर लेवल इतना हो गया और मशीन से मैंने इसको नाप के बता दिया, और मशीन से आप देखो सुबह नापोगे अलग आएगा, शाम को नापोगे अलग आएगा, सो के यूज करोगे, अगर आप लेफ्ट साइड से सोओगे और इस उंगली से चेक करोगे वो अलग आएगा, इस उंगली से चेक करोगे वो अलग आएगा। इवन जो ग्लूकोमीटर है उसकी रीडिंग पर विश्वास करना भी गलत है, अगर आप पैर की उंगली लोगे वो अलग आएगा, अगर आप वेन से लोगे तो अलग आएगा। तो रीडिंग ये भी एक वो नहीं है, आप हेल्दी फील कर रहे हो, आप अच्छा फील कर रहे हो, एक्टिव फील कर रहे हो, आपको स्ट्रेस नहीं है, आपको डिप्रेशन नहीं हो रहा है, आप एक हेल्दी लिविंग जी रहे हो, आप हेल्दी फूड खा रहे हो। अगर आपका 140-150 फास्टिंग शुगर आ रहा है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, आप डाइट के ऊपर ध्यान दो और थोड़ा वॉक और थोड़ा सा अपर बॉडी का एक्सरसाइज शुरू करो। जी सर, इसमें एक क्वेश्चन है कि गुड़ खाने से कोई दिक्कत तो नहीं है चीनी की जगह? अरे कमाल की बात है, गुड़ तो आप खाइए, गुड़ तो अच्छा है, जो तो जितनी चीजें आपसे छीन ली गई थी वो पहले में क्या बोलते थे, अरे घी छोड़ दो, डालडा अच्छा है, अब बोलते डालडा एकदम बेकार है, घी खाना शुरू करो क्योंकि उससे लोगों को हार्ट अटैक और बाकी प्रॉब्लम बढ़ गई है। वैसे गुड़ आपकी बहुत अच्छा है क्योंकि उसको अगर सही ढंग से बना हो, जरूरी है सही ढंग से बना हो, कई लोग उसको बहुत गलत ढंग से बनाते हैं, केमिकल्स डाल के बनाते हैं, वो अच्छा नहीं है। सही ढंग से और जितनी क्वांटिटी कम क्वांटिटी, आप गुड़ भी पूरा दिन खाते रहोगे वो भी नुकसान करेगा आपका, ठीक है। लेकिन मिठाई की जगह पे गुड़ खा लो थोड़ा सा, बहुत अच्छा है, उसमें आयरन होता है और बहुत सारे और मिनरल्स होते हैं, गुड़ आपकी बॉडी के लिए, आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है। एक क्वेश्चन है सर, ड्राई फ्रूट्स में एक तो महंगे काफी ड्राई फ्रूट्स आते हैं, उसके अलावा सस्ते में क्या विकल्प हमारे पास अवेलेबल है?
अरे आपको एक एक ड्राई फ्रूट खाना है, अगर आपको एक बादाम खाना है, एक मूंगफली खानी है, एक आपको काजू, आपको दो दो 10 काजू नहीं खाने हैं, तो टोटल खर्चा आपका आता है पर डे का 11 रुपये आता है, जो कि आपकी मेडिसिन है, वो आपकी मेडिसिन खर्चा टोटल डे का 40 रुपीज है नियर अबाउट। तो 11 रुपीज का आप तो नट्स खा सकते हैं ना। और ये जो बीमारी है, गरीबों की बीमारी नहीं, अमीरों की बीमारी है, तो 11 रुपये किसी के लिए ज्यादा नहीं है। तो इसके लिए मैं इसका आंसर ये हाँ बोलूंगा, आप मूंगफली खा ज्यादा खा सकते हैं, लेकिन ज्यादा मूंगफली खाएंगे वो भी आपको नुकसान करेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ एक बादाम, एक आधा अखरोट, आधा ये है, तो 11 रुपए की आपकी पूरी वो बन जाती है स्पेशल, जिसमें वजह से आपका कोई कैल्शियम लेस नहीं होगा, कोई विटामिन B12 नहीं होगा, कुछ मिनरल कम नहीं होगा। एक साल तक लीजिए, लाइफ लॉन्ग आपका एक मिनरल भी कम नहीं होगा। ऐसा तो कोई मेडिसिन भी नहीं है रोज का 11 रुपए का आपका मेडिसिन हो, उसका कोई साइड इफेक्ट भी ना हो। तो आपको ये खानी चाहिए, अवेलेबल है हमारे पास। एक क्वेश्चन है शशि गौर का कि डॉक्टर ने मुझे 90 ml मिल्क प्रेस्क्राइब किया था, मुझे ऑस्टियोपोरोसिस है और मैं डायबिटिक भी हूँ। तो सर इसके बारे में डॉक्टर साहब बताएंगे आपको, बट उससे पहले बता दूं कि हमारी मेडिकल साइंस की जो बुक्स है ना, ये बुक्स हमारे ये जो कॉर्पोरेट्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं, सरकार डिसाइड नहीं करती। तो डॉक्टरों को दूध के डिटेल वे में क्या क्या चीजें हैं इसके बारे में भी जानकारी नहीं होती। जब हम दूध की सीरीज लेके आएंगे तो आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। कुछ डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताएं इसके बारे में तो थोड़ा इजी रहेगा हमारे लिए। क्वेश्चन क्या था फिर से बोलिए। क्वेश्चन सर ये कि एक शुगर पेशेंट है, उनको ऑस्टियोपोरोसिस है, तो बोल रहे हैं कि मुझे डॉक्टर ने 90 ml मिल्क बोलना है पीने के लिए डेली। दूध की तो जरूरत नहीं है, आप सिंपली सो जाइए और हरे पत्ते सब्जी खाइए जो मैंने बोला, और मिलेट्स खाइए, आपको दूध की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, ये जो स्प्राउटेड सीड्स होते हैं ना, जो अंकुरित दालें होती हैं, इन अंकुरित दालों में 6 गुना ज्यादा विटामिन्स होती हैं। आप लोग एक ग्रुप ज्वाइन कर लें टेलीग्राम का, मैं पूरी की पूरी आपको एक PDF शेयर करूंगा, जिसमें हर एक जो आपका स्प्राउट है, चाहे वो चने की दाल का हो, अंकुरित दाने, चाहे अरहर की दाल का हो, हर एक का जब आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि एक अंकुरित दाल का जो दाने होते हैं, एक कटोरी पके हुए 8 के बराबर होती है। समझ लो, एक सिंपल मतलब एक जो अंकुरित दाल, अंकुरित दाने वाली दाल होती है, वो इतनी आपके लिए फायदेमंद होती है। उसमें उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, कि आप देख के हैरान रह जाएंगे। तो पूरी पूरी लिस्ट, पूरा पूरा डेटा हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। वो टेलीग्राम ग्रुप आप टेलीग्राम नाम का ऐप डाउनलोड कर लें, उस ग्रुप में हम जानकारी आपको दे देंगे। सर एक है व्हाट वी शुड, सॉरी, एक है कि हमें क्या फूड इंस्टेंटली खाना चाहिए, रेडीमेड फूड खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए, जो एक इंस्टेंट फूड आ रहे हैं, रेडीमेड फूड वगैरह बारे में। रेडीमेड फूड का दूसरा नाम जो है जंक फूड भी है। तो जंक हम उसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो जंक यार्ड होता है, जहाँ पे हमारी टूटी फूटी कारें, सामान सब कुछ रखा जाता है, तो उसको हम जंक यार्ड बोलते हैं। तो वो खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, वो ग्रीन में आता है, ऑरेंज में आता है, कि रेड में आता है, वो हमें सबको पता है। तो इसका आंसर नो है, आपको नहीं खाना चाहिए। मैं टिन फूड का मैंने बोला, जैसे उसमें केमिकल होता है, प्यूटेंट्स होते हैं, उन लोगों में 38 गुना % 38 गुना 38 टाइम्स ज्यादा कैंसर होने के और डायबिटीज होने के चांस होते हैं। तो आपको पैक्ड फूड, इंस्टेंट फूड वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें प्राण शक्ति कम होती है, उसके अंदर जो एनर्जी वो कम होती है, अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो डेंजरस केमिकल होते हैं, वो अच्छे नहीं होते हेल्थ आपकी बॉडी के लिए, तो वो आपको नहीं खाने चाहिए। एक है आपका, एक ने बोला है मिलेट्स इंडिया में नहीं मिलते। मैं मिलेट्स तो इंडिया में, मिलेट्स में बाजरा, जौ, ज्वार, ये सब मिलेट्स में होते हैं। आप लोकल बाजार में जाएंगे, आपको इंडिया के ग्रोन मिलेट्स मिल जाएंगे, ज्वार, बाजरा, जौ, ये सब मिलेट्स कैटेगरी में आते हैं, और ये आराम से मार्केट में जो होलसेल की दुकानें होती है वहां आपको मिल जाएंगे। ओके, एक सवाल है, क्या फास्टिंग डायबिटीज में करनी चाहिए सर? नहीं, ये जो आप बोल रहे हैं क्वेश्चन का मैं आंसर देना चाहूंगा, आप बिल्कुल से उसका आंसर पूरा नहीं हुआ सत्या जी जो आपने दिया। क्योंकि जो लोकल मिलेट्स मिल जाएंगे, लेकिन वो न्यूट्रल मिलेट्स हैं, वो आपकी डायबिटीज को ठीक नहीं करेंगे, मेडिसिन फूड एज ए मेडिसिन का काम नहीं करेंगे। जो मैंने मिलेट्स का नाम लिया आपको, चाहे वो फूडो मिलेट्स हो, लिटिल मिलेट्स हो, या ब्रांड यार्ड हो, वो आपको स्पेशलाइज शॉप्स के ऊपर मिलेंगे, और आपको डिफरेंट जो जगह है वहां से आपको बिल्कुल मिलेंगे, जैसे अमेजोन है, बाकी जगह है, तो वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। और आपके शहर में भी ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ से मिलना शुरू हो गया है,
अगर नहीं मिला तो मैं नंबर नीचे लिखा हुआ है आपके साथ में, मैं शेयर कर लूंगा कहाँ से आपको मिल सकते हैं। अगर डायबिटीज को आप हील करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो वहीं से आपको मिलेंगे और इस नंबर के साथ जुड़ सकते, मैसेज कर सकते हैं और हमें आपके ग्रुप बना देंगे ताकि ये हम लोग फ्यूचर में भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगी या आप उसमें डिस्कस कर सकते हैं और अपनी जो रिपोर्ट्स हैं आपकी कितना रिवर्सल हुआ आप वो चीजें भी शेयर कर सकते हैं हमारे साथ में। तो दैट विल एडवांस एडवांस ग्रुप। तो ये आपको जो मिलेट्स हैं, यस बिल्कुल, जो ये तो मिल जाएंगे हमारे न्यूट्रल मिलेट्स हैं सत्या जी, ये आपके हीलिंग जो आपके पॉजिटिव मिलेट्स नहीं है, नहीं है, नहीं है। हमें समझना पड़ेगा, ये फूड की बहुत बड़ी साइंस है जो लोगों ने ढूंढी है, रिसर्च की है, हमें उनकी बात को आगे लेके जाना पड़ेगा कि ये चीज आपके लिए नॉर्मल है, इससे आपकी हेल्थ रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी, आप नॉर्मल रहेंगे, लेकिन आपको कुछ ठीक करना है, कैंसर ठीक करना है आपको, थायराइड ठीक करना है, हाइपरटेंशन ठीक करना है, नाड़ियां जो ब्लॉक हुई है उनको साफ करना है, तो आपको स्पेशलाइज फूड किस ढंग से खाना पड़ेगा। यस yes. क्वेश्चन आया सर, क्या मक्का कॉर्न खाने चाहिए डायबिटिक को, नहीं खाने चाहिए? मक्का आप नहीं खाएंगे तो अच्छा है, लेकिन खा लेंगे तो उसका नुकसान ज्यादा नहीं है, लेकिन कम थोड़ा बहुत कभी कभी मन करे तो खा सकते हैं, खासतौर पे उसके जो मकई का जो आता है ना भुट्टा आता है, भुट्टे को आप गर्म कर खाते हैं वो अच्छा रहता है आपके लिए। इसमें ये है कि ये एक क्वेश्चन है, उपमा खा सकते हैं कि नहीं, बहुत आ रही है। उपमा, उपमा बहुत सारी चीजों का बनता है, आप जो उपमा बनाते हो, मैं बोलता हूँ मिलेट्स का भी उपमा बनता है, राइट, मिलेट्स का भी उपमा बनता है, सूजी का भी उपमा बनता है, उपमा ऐसे नहीं, हमें क्या एक चीज सिखा दी ऐसे ऐसे से बनता है वो हम आगे बाहर निकलते नहीं। आप फूड हमसे क्या है, इंडिया में क्या है, हमसे हमारी किचन छीन ली स्विगी और जोमेटो ने, हमारी कई घरों में किचन ही बंदी बंद हो गया कि स्विगी जोमेटो से आ जाएगा, वो जो खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, कहाँ बन रहा है, कौन बना रहा है, कुछ पता नहीं है, माहौल बन रहा है, हमसे हमारे खेत छीन लिए, हमसे हमारी फसलें छीन ली। हमारे पास लगभग आज से पहले 70 मिलेट्स थे और अभी जो मिलेट्स है उसकी वैरायटी खत्म हो गई, क्योंकि उसमें जर्मिनेशन की जो प्रॉपर्टीज है कुछ साल तक ही रहती है, 3 से 5 साल तक, अगर उसको जर्मिनेट नहीं करेंगे, रिसाइकल नहीं करेंगे तो वो हमेशा के धरती से खत्म हो जाएगा। तो मोनोकल्चर जो है सीड्स का, चाहे वो चावल हो, वीट हो, सबको खत्म कर दिया, हमें वापस अपनी खेती बाड़ी को वापस लेके आना है। हमसे हमारा पानी छीन लिया, हमसे हमारे मिलेट्स छीन लिए, हमसे हमारा खाना छीन लिया, हमसे हमारी किचन छीन ली, हमसे हमारी हेल्थ छीन ली और पकड़ा दिया क्या, मेडिसिन, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स। तो इस सबकी जो चक्कर भी हो, जिसकी जो मैडनेस है ना ह्यूमैनिटी की, जो ह्यूमन जो गलत रास्ते पे चल पड़े हैं, उससे वापस आना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा, नहीं इसका कोई फ्यूचर नहीं है। और इस समय हम रुके हुए हैं कोरोना की वजह से, इससे बेटर मौका नहीं मिलेगा। देयर इज वन स्टडी डॉक्टर्स ने की है, अभी डॉक्टर्स ने की है, स्टडी का नाम है वेयर ऑल द पेशेंट्स आर गॉन, सब कुछ बंद है, लोगों को फैसिलिटीज नहीं मिल रही है मेडिसिन की, सब चीजों की, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल में जो नंबर ऑफ हार्ट अटैक्स है, नंबर ऑफ ब्रेन स्ट्रोक्स है, नंबर ऑफ अदर डिजीज है, कॉम्प्लिकेशंस है, वो लगभग सिर्फ 4-7% रह गए। कितने? 4-7%। कहाँ के सारे मरीज? वो अपने आप ठीक हो रहे हैं, क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो हीलिंग मैकेनिज्म अपने आप आता है बॉडी के अंदर से, वही बार 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 चीजें खाएंगे पियेंगे, सब कुछ बंद है, नहीं मिल रहा तो अच्छा है ना, वो हमें हील कर रहा है, ठीक कर रहा है, हार्ट अटैक नहीं हो रहा, वो हमें स्ट्रोक नहीं हो रहा, कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रही है। तो मेरा दोस्त है, उनका खुद का मेडिकल शॉप है साथ में, और साथ में ही MD मेडिसिन, तो खुद का उनका हॉस्पिटल भी है। तो बोल रहे हैं संदीप, पहले मेरे पास रोज का 1-2 एनजीओ प्लास्टी होती थी, यानी कि हार्ट ब्लॉक होता था, हार्ट अटैक के पेशेंट आते थे रोज के 1-2, अभी मेरे पास 26 दिन में ऑन एवरेज 1 पेशेंट आ रहा है। तो सोचिए वेयर ऑल द पेशेंट्स आर गॉन। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि 150 लोग जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ी बात है हमारे साथ, लगभग 11 बजे से लेके बहुत कमाल है, 2.5 घंटे और वर्चुअल पे। और ये नंबर है, नंबर पे व्हाट्सएप, नीचे नंबर लिखा हुआ है 9512788878, आप इस पे अपना, अगर आप फ्यूचर में जुड़ना चाहते हैं तो इस पे हेलो बोल सकते हैं, PPT पे नंबर लिखा। अमूल आइसक्रीम के बारे में पूछ रहे हैं सर, आइसक्रीम। इतनी PPT सुनने के बाद भी अगर आप ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं क्या बोलूंगा। अमूल आइसक्रीम नहीं खानी है आपको, क्योंकि उसमें जो शुगर है जिस तरह यूज की जाती है, वो शुगर वाले आदमी को नहीं खानी। उसके लिए बहुत सारी डिशेस हैं जो जैगरी से बनती हैं और घर में आप आइसक्रीम बना के खा सकते हैं, वो नहीं खानी है आपको, जहर है वो आपके लिए। क्यों? ये बहुत पूरी पिपड़ी हमने यही बात की है, ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा खाइए, फर्मेंटेड फूड ज्यादा खाइए, सैलड ज्यादा खाइए, स्प्राउट ज्यादा खाइए, बॉडी के साथ थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए, सिर्फ इतना ही करने से आपका डायबिटीज रिवर्सल हो जाएगा। हाँ, ये भी मनाही नहीं है कि आपको बिल्कुल नहीं खाना है, अगर आप नॉर्मल हैं, हेल्दी हैं, तो आप कभी कभार दिन रख लीजिए, महीने में 2 दिन, कि आज मुझे
उसको हम क्या बोलते हैं, चीट डे, धोखा करना। धोखा किसके साथ? अपने आप के साथ। ठीक है, हम ऐसा मान लेते हैं कभी कभार अपने साथ धोखा कर सकते हैं, तो महीने में हर वीक रख लीजिए, कोई बात नहीं है। तो उस दिन आप एक मील जो है वो चीट डे करके जाएंगे, लेकिन कॉन्शियस रहेंगे मैं चीट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं, अरे यार कब से वेट कर रहा था पिज्जा खाना, आज तो दिन आ गया पिज्जा खाने का, कमाल है, बल्ले बल्ले। नहीं, ये बोलो यार मैं टेस्ट के लिए खा रहा हूँ, लेकिन मैं अंदर जो डाल रहा हूँ उसके लिए कॉन्शियस रहेंगे। तो वो है, यस, अमूल आइसक्रीम आप खा सकते हैं, लेकिन लिमिटेड लिमिटेड तरीके से। लेकिन अगर रोज अमूल आइसक्रीम खाएंगे तो, या दो टाइम खाएंगे दिन में, तो फिर मुश्किल है। हाँ, आज नहीं होगा कल को हो जाएगा, कल नहीं होगा 10 साल के बाद, 10 साल नहीं होगा 20 साल के बाद हो जाएगा। ये वैसे ही है, लोग की जेनेटिक मेकअप अलग अलग होता है, बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। जैसे हम बोले सभी लोग सिगरेट पीते हैं सबको कैंसर हो जाएगा, नहीं, किसी को लंग्स की प्रॉब्लम आएगी, किसी को खांसी होगी, किसी को ब्रोंकाइटिस होगा, और कुछ ही लोगों को, 1 से लेकर 5% लोगों को कैंसर हो सकता है, वो भी अगर 20 सिगरेट 20 साल तक पीते हैं तो 20% लोगों को कैंसर होने का चांस ज्यादा होता है, जो हमारी एसपीएम की बुक है वो बोलती है। तो ये भी ऐसी है, डायबिटीज जो है, अगर बोलना कि वो तो रोज खाता था अमूल की आइसक्रीम, उसको तो हुआ नहीं है, इसको कैसे हो गया? तो वो सिगरेट जैसे एग्जाम्पल है, उस पर पर्याप्त है। एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, योगा कीजिए, बताई चुके हैं। तो आप करते हैं यस, डायबिटिक पर्सन अगर प्रॉपर डाइट लेता है, मेडिसिन भी लेता है टाइप 1 डायबिटीज में, तो उसमें क्या फर्क हो सकता है कुछ? इफ डायबिटिक पर्सन डाइट व्हेन मेडिसिन इज नेसेसरी इन टाइप 1 डायबिटीज। फिर से बोलिए क्वेश्चन, फिर से बोलिए। इसमें क्वेश्चन है कि अगर टाइप 1 डायबिटीज का पेशेंट है, तो जो वो डाइट पैटर्न को फॉलो करे विद मेडिसिन है, तो क्या क्या इफेक्ट रहेगा उसका सर? यस, मेडिसिन काफी, जो काफी पैटर्न आपने बताया वो फॉलो कर रहे हैं। हमारे जो एक्सपीरियंस है, तो काफी लोग की जो मेडिसिन है वो कम हो गई है, राइट, काफी कम हो गई है, और जो कॉम्प्लिकेशंस है वो एकदम नेग्लिजिबल हो गई है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। सिर्फ 3 से 7 से लेके 11% पेशेंट में ही हमें सक्सेस मिली है, जो बिल्कुल उनको बिना मेडिसिन के जी सकते हैं या कर सकते हैं, वो भी कैसे उनका पेंक्रियाज रिएक्ट करता है, 20 साल से कम उम्र है कि नहीं है, उनकी यंग एज होगी, यंग एज में अगर ये डाइट स्टार्ट की जाए तो वो रिवर्सल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिवर्सल हो जाएगा ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो अडल्ट टाइप 2 डायबिटीज है उसमें तो 100% रिजल्ट है। किसी को 3 दिन में हो जाएगा, किसी को 1 हफ्ते में हो जाएगा, किसी को 21 डेज में हो जाएगा, लेकिन 3 महीने में तो मोस्टली लोगों को हो ही जाता है रिवर्सल। एक सवाल है कि डॉक्टर कहते हैं हर 3 घंटे बाद खाओ, ये कहां तक सही है सर? हाँ, ये जो बात है, हर की बॉडी अलग अलग है। कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं हर 3 घंटे में खाओ, वो भी ठीक है। कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं आपकी बॉडी के हिसाब से, कैसे आपकी बॉडी बिहेव करती है फूड के साथ में, जैसे मैंने बताया ग्लूकोज के साथ में कैसे बिहेव करती है, कौन सी आप रीजन करते हैं, आपका जेनेटिक मेकअप कैसा है, यहाँ पे वो चीज काम में आती है। यस, अगर डॉक्टर बोलते हैं 3-3 घंटे में शॉर्ट मील लीजिए ताकि आपको हाइपोग्लाइसीमिया नहीं हो, क्योंकि मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको, लेकिन आप रात का जो खाना है उसमें 12 घंटे का अगर ये डाइट लेंगे, तो जो मैंने बोला आपको 7 मील ही चाहिए और इससे ज्यादा मील्स नहीं चाहिए। सुबह का जो मैंने बोला स्मूदी बोला या कावा बोला, दूसरा मैंने आपको ब्रेकफास्ट या साथ में ये अपने सीड्स और ड्राई फ्रूट्स बोले, उसके बाद प्री लंच, लंच, लंच के बाद शाम का एक खाना, और उसके बाद रात को डिनर। तो इसके बिना आपको और खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एटलीस्ट 1 महीने के लिए ट्राई तो कीजिए, आप मेडिसिन ट्राई कर रहे हैं, जंक फूड ट्राई कर रहे हैं, अमूल की आइसक्रीम ट्राई कर रहे हैं, ये ट्राई कीजिए ना थोड़ा सा, सिर्फ 1 महीने के लिए बदल के देखिए। आप बोलेंगे अभी मुझे वापस जाना ही नहीं है, मैं क्योंकि मैं खुद डायबिटिक था, खुद वापस आया हूँ डायबिटीज से, और मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग डायबिटिक थे और वापस आए हैं, तो कमाल की बात है ही। और कितने कैंसर पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट, कितने थायराइड के, हार्ट के, कितने ब्लॉकेज क्लियर हुए हैं, मतलब इस डाइट से, मतलब आप समझ सकते हैं दिस इज समथिंग बियॉन्ड मेडिसिन, मतलब मेडिसिन से भी आगे की चीज है। सर एक रिक्वेस्ट आई कि अल्कोहल कितनी पीनी चाहिए? हाँ, ये मेरे पास भी प्राइवेटली 2 बार मैसेज आ गया है। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे अल्कोहल आपके लिए अच्छी नहीं है, लेकिन अगर जो हमने रिसर्च की है, लेकिन ऐसा नहीं है आप उसको एकदम से पकड़ के बैठ जाए, तो आपके लिए जो 60 ml पर डे है वो आपके लिए अच्छी है, लेकिन 60 ml अगर आप ले रहे हैं उसके साथ में आप चकना भी खा रहे हैं, आप फ्राइड फूड भी खा रहे हैं, ये भी खा रहे हैं, वो आपको नुकसान ज्यादा देते हैं। हाँ, उसका मिलेट खा रहे हैं, उसके साथ में इडली खा रहे हैं, उसके साथ में जो चीजें मैंने बताई हैं, तो उसका इतना नुकसान नहीं है, ये मैं बात मानता हूँ। और मेरा 2 बार क्वेश्चन आ गया, मैं इस क्वेश्चन को अवॉइड कर रहा था, लेकिन पूछ ही लिया, और शायद इनको खुशी हुई होगी संदीप ने इसमें, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे संदीप बोलेगा नहीं बोलेगा, लेकिन इसमें बोला मैंने 60 ml से लेके 90 ml आप पी सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है
कि टेलीग्राम एक ग्रुप हमने डाला yes. इसमें, तो वो आप ज्वाइन कर ले, तो उसमें क्या है आप हम उस ग्रुप को कुछ सर्टन टाइम कुछ पीरियड में खोल दिया करेंगे जहाँ आपने आप क्वेश्चन इनपुट आप डाल सकते हैं। टेलीग्राम नाम का ऐप आप डाउनलोड कर लें तो उसमें मैनेजमेंट बहुत ईजी हो जाता है। और सर कुछ क्वेश्चन एक कह रहे हैं सर वेट लॉस सेशन कब कब रखेंगे, सर बहुत जल्दी बता देंगे वेट सेशन हम कब रखने वाले हैं। वो सेशन रख लेंगे, लेकिन जो मैंने आज डाइट बोली है इस डाइट से आपका 3 किलो वेट लगभग 10 दिन में कम हो जाएगा। तो वेट लॉस का भी अलग से रख लेंगे, लेकिन ये स्पेशली डिजीज के डायबिटीज के ऊपर था, लेकिन वेट लॉस भी बहुत इजी चीज है, उसमें थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर आपको कुछ और नहीं है तो वो सेशन भी हम बहुत जल्दी रख लेंगे। तो सर इसको वाइंड अप करें सेशन को सर। यस यस यस, कमाल हो गया, 140 हो गए, आई वाज एक्सपेक्टिंग। और अभी भी सभी पार्टिसिपेंट का धन्यवाद सत्या जी और लोकमान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने मेरे दोस्त जुड़े हुए हैं, बाद में आप मुझे अगर ये चैट है वो सेंड कर देंगे तो पढ़ पाऊंगा सब लोगों के क्वेश्चंस होंगे। अगर टेक्नोलॉजी ऐसी है हमें चैट को भेज सकते हैं तो इट विल ग्रेट। और आज बहुत अच्छा लगा, और ये सेशन मैंने पहली बार इसके ऊपर लिया है। इससे पहले हमने जो पेरेंटिंग सेशन लिया था वो थोड़ा सा नॉन टेक्निकल रहता है, जनरल रहता है, ये बहुत टेक्निकल टॉपिक था। और इस टॉपिक में बहुत लोगों ने बहुत कमाल की बातें क्वेश्चन पूछे हैं और बहुत सारी चीजें लेके जा रहे हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ मेरी किसी वर्कशॉप से किसी एक आदमी की जिंदगी में फर्क डाल सकता हूँ, उसकी डायबिटीज रिवर्स कर दूं, तो सोचूंगा मैंने अपने टाइम की वैल्यू निकाली, मैंने कुछ किया है। सर चैट मैंने सेव कर ली, चैट मैंने सेव, आप फाइल सेक्शन में जाएं, बटन दबाएं, वो ऑटोमेटिक आपके सिस्टम में सेव हो जाएगी। ठीक है, मुझे सेंड कर दीजिएगा प्लीज, जब मुझे पता नहीं है, टेक्नोलॉजी सीखना पड़ेगा। तो जो क्वेश्चन होंगे उसको डिस्कस कर लेंगे। होप आपके लिए ये सेशन बहुत बढ़िया रहा होगा, और फ्यूचर में जुड़े रहेंगे। एक सेशन हम लोग 15 दिन के बाद फिर करेंगे डायबिटीज के ऊपर, और इसकी और गहराई में जाएंगे, इन चीजों को और समझने की कोशिश करेंगे कैसे होती है। दिस इज ऑल साइंस, नथिंग एल्स। थैंक यू वेरी मच, एंड ओवर टू लोकमान जी। थैंक यू डॉक्टर संदीप, रियली कितना अच्छा लगा हमें और इन सारे पार्टिसिपेंट्स को कि अभी तक जुड़े हुए 3-4 घंटे अगर आप यहाँ डॉक्टर संदीप को सुनने के लिए जुड़े हुए हो तो आपका असेसमेंट हो गया है। जितने भी लोग अभी जुड़े हुए हैं कि आप में इतना मादा है, इतना बूता है कि आप अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हो, इतना ही टाइम चाहिए आपको अपनी जिंदगी में रोज खर्च करने के लिए। बस अगर सुबह शाम आपने हल्की फुल्की एक्सरसाइज, कुछ योगा, जो आज यहाँ आप डॉक्टर संदीप ने बताए थे, अगर ये करना शुरू कर दिया और एक चीज छोड़ दी, बस एक चीज, डॉक्टर संदीप जो सब कुछ आपने बताया, और फिर लोगों ने अभी लास्ट में जो क्वेश्चंस पूछे तो उन्होंने कोशिश की थी कि कैसे डॉक्टर संदीप के मुंह से निकल जाए कि अल्कोहल भी ले सकते हैं, दही भी ले सकते हैं, गेहूं भी ले सकते हैं, चावल भी ले सकते हैं, क्या कॉफी भी ले सकते हैं, आइसक्रीम भी ले सकते हैं, यानी जो कुछ मैं कर रहा हूं उसके लिए हाँ हो जाए तो बस मैं ठीक हो जाऊं। नहीं, यही रोकना है, क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है। और खाना सिर्फ एक बात है, इस बॉडी को, इस मशीन को आप सिर्फ फूड इनपुट देते जाते हो, फूड इनपुट देके जाते हो। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कार की टंकी में पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, जाने क्या क्या भरते जा रहे हैं, पर हम कभी सोचते हैं क्या सिर्फ बॉडी को रिफ्यूल कर देने से ही क्या कार चलती रहती है, क्या उसकी सर्विसिंग, ओवरहॉलिंग, रोज कपड़ा मारना, उसके पहिए चेक करना, उसका इंजन की ट्यूनिंग चेक करनी, क्या वो सब जरूरी नहीं है। हम अपनी कार जो एक लोहे की बनी है, मेटल की बनी है, उसको कई तरह से चेक करते हैं, सर्विस कराते हैं, ठीक कराते हैं, पर सबसे बड़ी मशीन को भूल जाते हैं। इसको अगर ठीक भी करना है तो इसमें कुछ डाल के ही ठीक करेंगे, बीमार हुए तो भी कुछ मुंह से अंदर ही डालना है, ठीक है तो भी अंदर डालना है, स्ट्रेस है तो भी अंदर डालना है, बस यही थोड़ा सा सोचना है। प्लीज एक्सरसाइज, मूवमेंट, क्लींजिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल उतनी ही जरूरी है दोस्तों जितनी कि हम अंदर खाना डालते हैं। अगर आपकी उम्र 30 साल से ऊपर है तो खाना जीने के लिए फैक्टर हो सकता है, जीना खाने के लिए नहीं। अगर आप ये छोटे छोटे सूत्र सीख गए जो डॉक्टर साहब ने आज रियली जो चीजें निकाली है, मैं तो उनकी हिम्मत समझता हूं कि पूरी मेडिकल इंडस्ट्री के सामने इतना साहस कर पाया उन्होंने कि इतनी बातें बता पाई, कितना बड़ा बिजनेस है इस चीज का, और हम लोग समझ नहीं रहे, शुगर फ्री ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, यानी कुछ न कुछ और अल्टरनेट तरीके हमें या तो मार्केट ने, इंडस्ट्री ने, हमने, फैमिली ने कहीं ना कहीं इजाद कर दिए
और हमें ठीक होने से नहीं रोक पाते। मैं अभी आपको बता दूं, डॉक्टर संदीप को मैं जिक्र कर रहा था, मेरे पास एक पेशेंट है, मेरे नोन आए हैं और वो लॉकडाउन में फंस गए, एक दिन पहले फंसे, और अब मेरे पास ऑप्शन था कि मैं इन पर एक्सपेरिमेंट कर सकूं। उनको सिर्फ लॉकडाउन में 450 से उनका शुगर लेवल 150 से बिलो है, 130 के आसपास है। अगर वो 15 दिन या एक महीने में बिना किसी मेडिसिन के ठीक हो सकते हैं तो आप में से कोई भी हो सकता है। तो आज इन्हीं बातों के साथ दोस्तों आज इस सेशन को हम विराम देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इससे आज सीखें, जीवन में उतारें, और प्लीज आज आपका हाथ यहाँ छोड़ नहीं रहे। मैं तो ये गुजारिश करूंगा डॉक्टर संदीप को कि आप उंगली पकड़ा दो इनको। ये एडवांस कोर्स हो, फ्री कोर्स हो, एडवाइस हो, आप डॉक्टर संदीप का, सत्या का, मेरा कहीं भी फायदा अपनी जिंदगी में ले सकते हो। प्लीज कनेक्ट हो जाओ, योगा क्लास में कनेक्ट हो, ट्रेनिंग में कनेक्ट हो, आप एडवांस कोर्स में कनेक्ट हो, अपना फायदा करो। अगर आपकी जिंदगियां सुधरने लगी तो हमें बहुत खुशी होगी।